الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا Honorable ladies, I, फ़ारह बिनतम वेलकम ऑल ऑफ़ यू फ्राम द बॉटम ऑफ़ माई हार्ट अमैलकम वर्कात हमेशा की तरह हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत तिलावत क़ुरान पाक से करते हैं नसीहत हासिल करने के लिए हिदायत हासिल करने के लिए और उसकी बरक़ात हासिल करने के लिए तो करत के लिए और उसके ट्रांसलेशन के लिए मैं ऑन स्टेज इन्वाइट करती हूँ सिस्टर रुतका अशरफ जो कि तकवा इस्लामिक स्कूल की स्टूडेंट थी कि वो स्टेज पर आए और क़ुरान की करत और ट्रांसलेशन पेश करें मैं इस अल्फाज के साथ उनका वेलकम करती हूँ कि सुना दो नग़मा कुरान कि हम बेदार हो जाएं, सुना दो नग़मा कुरान कि हम बेदार हो जाएं, अंधेरे से निकलकर साहिबे साहिब हो जाएं। सिस्टर रुतका अशरफ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني انها ان تك مثل قال حبه ان تك مثقال حبه من خردل ان تك مثقال حبه من خردل فتكن فتكن في صخره فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ ۖ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأمر بالمعروف وانه عن المنكر وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض ولا تمشي في وقصد في مشك واغضد وقصد في مشك واغضد من अभी अभी जो जरत आपने समत फरमाई वो थी सूर लकमान सूर् नंबर इक्कीस आयत नंबर सोलह से उन्नीस तक जिसका उर्दू तर्जुमा है पनाह चाहती हूँ मैं अल्लाह ताला की तैतान मरदूद से अल्लाह ताला के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और नहाय रहम करने वाला है हजरत हज़रतमान ने अपने बेटे से कहा, कहा प्यारे बेटे अगर कोई चीज़ राय के दाने के बराबर हो फिर वो भी ख्वाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में हो अल्लाह अल्लाह ताला अला ताला उसे ज़रूर लाएगा अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और ख़बरदार है ऐ मेरे प्यारे बेटे तू नमाज कायम रखना और अच्छे कामों की नसीहत करते रहना बुरे कामों से मना किया करना और जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करना यकीन अल्लाह यकीन, यकीन मान अल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी ताक़ीदी कामों में से है लोगों के सामने अपने गाल ना फुला और ज़मीन पर इतरा कर मत चल और ज़मीन पर इतरा कर मत चल किसी तकबर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता अपनी रफ्तार में मैन रवि अख्तियार कर और अपनी आवाज़ पस् कर यकीनन आवाज़ों में सबसे बदतर आवाज़ गधों की आवाज़ है जजाक मुलाु खरा जजाक ख़ैरन कसीरा सिस्टर रुका ब्यूटीफुल रेसिटेशन मे अल्लाह ग्रांट यू जन्नतुल फिरदौस आमीन मोज़ ख़वातीन अल्लाह ताला ने कुरान हमारी हिदायत और कामयाबी के लिए नाजिल फ़रमाया और तारीख़ गवाह है कि जब जब मुसलमानों ने इसे मज़बूती से थामा फ़तूहत ने हमारे कदम चूमे क़ुरान इज़ द ओनली रीज़न फॉर आर विक्ट्री लेकिन जैसे ही हमने इसे तर्क करना शुरू कर दिया तो ज़िलत ख़ुरी हमारा मुकद्दर बन गई और बढ़ते दौर के साथ हालात बद से बदतर होते चले गए याद रखिए कि कुरान की जो ज़िम्मेदारी थी वो हम में से मुठ्ठी भर लोगों के सिवा किसी को उस ज़िम्मेदारी का एहसास ही न रहा और इसी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए आज से ठीक पंद्रह साल पहले आई यानी इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई ताकि एक मतहद और जमात क़ायम की जा सके और अल्लाह के इज़्न से मिस्टर शम्स मिस्टर मोहम्मद सलमान और मिसेस अस्मा शम्स के साथ बहुत सारे लोगों की सिंसियर एफ़र्ट ने आज आई को इस मुकाम तक लाखड़ा किया है पंद्रह साल से आई अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कोशा हैं टाइम टू तो टाइम दावती इस्लाही लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ किए गए ऑनलाइन लेक्चर्स ऑर्गेनाइज़ किए गए और टाइम uh, टू टाइम दावती इस्लाही लेक्चर्स के साथ साथ आप देखिए हमारे यहाँ इस्लामिक लाइब्रेरी का क़्याम किया गया और उसने आवाम को बहुत फ़ायदा पहुँचाया उसके साथ ही uh, कई साल इस्लामिक एग्ज़िबिशन और कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की गई इस्लामिक बुक्स सीडीज़ डीवीडीज का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दावती पर्पस के लिए किया गया ऑनलाइन लेक्चर्स ड्यूरिंग कोविड अरेंज किए गए और कोविड के बाद मोटिवेशनल स्पीकर्स और इंस्परि स्कॉलर्स को मोटिवेशनल स्पीकर्स और स्कॉलर्स को इनवाइट किया गया और दावती और इस्लाही पर्पस के लिए इस ऑडिटोरियम का क़याम किया गया जहां आप सब मौजूद हैं साथ ही साथ ख़वान के लिए अलग लेडीज़ विंग्स का इंतज़ाम किया गया विच इज़ बीइंग लेड बाई मिसिज़ अस्मा शम्स जिसमें दरस क़ुरान सीरतुलनबी तरबियती क्लासेस फॉर गर्ल्स कुरान डिस्कशन वगैरह शामिल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की मदद से हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट तकवा इस्लामिक स्कूल है ताकि हमारी आने वाली जनरेशन दीन की दाई बने और इसी ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ाए अल्हम्दुलिल्लाह याद रखिए कि हमारे आने वाली नस्लों की तरबियत की ज़िम्मेदारी उस इदारे उस इंस्टीट्यूट की भी है जहाँ बच्चे तालीम हासिल करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी हम वालदेन की है आज के इस हाईटेक एरा और पुरफन माहौल में बच्चों की तरबियत वालदान के लिए एक्चुअली एक मसला बन गया है क्योंकि फहाशी से अपने बच्चों को महफूज रखना ये हम वालदान की ही ज़िम्मेदारी है इसी फिक्र के तहत आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका टॉपिक है स्मार्ट पेरेंटिंग औलाद की उम्दा तरबियत और जिसके लिए जिसके लिए हमसे गुफ्तु करने के लिए मौजूद हैं मिसेस अस्मा शम्स मिसेस अस्मा शम्स आई ई आर ओ लेडीज़ विंग्स प्रेसिडेंट और तकवा इस्लामिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं शी साइंस ग्रेजुएट शी परस्यूड बी एड एन एम एड डिग्री एंड शी इज़ करेंटली परसुंग मास्टर्स इन अरबिक फ्राम अलाबाद यूनिवर्सिटी सिस्टर असमा शम्स इस मिशन को पूरा करने के लिए पंद्रह साल पहले फील्ड में आई ताकि गफलत में पड़े लोगों को कुरान से अवेयर किया जा सके और ख़ास तौर से ख़ातिन को उनकी ज़िम्मेदारी का एहसास कराया जा सके आपके लेक्चर न सिर्फ अलाबाद बल्कि अलाबाद से बाहर भी होते हैं लोग उससे फैजियाब होते हैं हालांकि आपके साथ हेल्थ इश्यूज लगे रहते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे सिस्टर असमा मुस्लिम ख़्वीन के लिए एक इंस्पिरेशन है जो बहुत सारी गर्ल्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं और आपके दुरूस क़ुरान ने कई ख़ातन की ज़िंदगी में इस्लामी बेदारी पैदा की है मे अल्लाह एक्सेप्ट योर सर्विसज़ इन इस्लाम एंड ग्रांट यू जन्नतफरदौस अब मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिस्टर अस्मा को इनवाइट करती हूँ कि वह यहाँ पर आएँ और अपनी गुफ्तगु से प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ मिसेस अस्मा शम्स अल्हदल्ह अलहमदिल्लात नबी अबादा वाहि मिनशतम बिस्मिल्लिम يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم وأهليكم نارا وقودها <متحدث> الناس والحجاره بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي متابعي <متحدث> عزيزي سامي تاب سبھی کا مقدمها <متحدث> دل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته जैसा कि आपके में बार बार आ चुका है कि आज के इस प्रोग्राम का मौजू है स्मार्ट पेरेंटिंग औलाद उम्दा तरबियत सबसे पहले पेरेंटिंग का माना जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू कॉलिंस डिक्शनरी पेरेंटिंग का मतलब होता है पेरेंटिंग इज़ द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग अप एंड लुकिंग आफ्टर योर चाइल्ड अपने बच्चे की परवरिश और उसकी देखभाल का जो अमल है वो पेरेंटिंग कहलाता है औलाद एक ऐसा अहम और हसास आ, नाम है जिसकी ख़्वाहिश सबको होती है और औलाद की ख़्वाहिश करना इट्स नथिंग रॉन्ग कि हम औलाद की ख्वाश करें सलाम ने औलाद के लिए दुआ किया है इब्राहीम ने औलाद के लिए दुआ किया जकरिया सलाम ने औलाद के लिए दुआ किया उनकी दुआ मस्कूर ए सुरा इमरान सूरा नंबर थ्री आया नंबर थर्टी एट में उन्होंने इस तरह अल्लाह को पुकारा था रब हबली मिल्दुन का ज़रूरीतबा तो इन्ना कसम और दुआ ए मेरे रब मुझे अपने पास से एक पाकिज़ा लड़का आता फरमा बेशक आप दुआओं को सुनने वाले हैं लिहाजा औलाद की ख्वाहिश एक फ़ितरी ख़्वाहिश है और जब अम्बियाँ ने इसकी दुआ किया तो ज़ाहिर है बाकी सब के लिए भी ये बहुत नॉर्मल बात है कि वो माँ या वालिद बनना चाहते हैं लेकिन जिस तरह औलाद के मिलने से बहुत बड़ी ख़ुशी होती है उसके साथ ही एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और बहुत बड़ा चैलेंज साथ में आ जाता है और ये पेरेंटिंग या औलाद की तरबियत ये अहम मौजू हमेशा ही रहा है लेकिन हम जिस दौर में जी रहे हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी का रहा है इंफॉर्मेशन ऐज कह सकते हैं इसको डिजिटल ऐज कह सकते हैं और वो डिजिटल ऐज के साथ साथ दौर पुरफुन भी कह सकते हैं तो हम जिस एरा जिस दौर पुरफुन में जी रहे हैं उसमें यह पेरेंटिंग एक चैलेंजिंग मसला है अहम तो हमेशा ही था औलाद की तरबियत अहम तो हमेशा ही थी लेकिन इस एरा में इस दौर में ये एक चैलेंजिंग मैटर है और अक्सर बेशतर वालदान बहुत खौफजदा रहते हैं और बहुत टेंसड रहते हैं इस वजह से कि उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और इस पुरफतान माहौल में उनकी तरबियत करनी है उन्हें बचाकर चलना है तो हम इस दौर के एक हल्का सा ग्लिम्स आपको दिखाते चलें एक छोटी सी थोड़ी सी झलकी कि ये एक्चुअली कितना पुरफन दौर है ताकि आगे जो बात कही जाए उसकी अहमियत और बढ़ जाए और आप गौर से सुना और उसको फॉलो करना पसंद करें देखिए हम जिस एरा में जी रहे हैं उसमें एक फितने वाला डिवाइस सबके हाथ में होता है और ये है मोबाइल सब चीज़ें बुरी नहीं हैं लेकिन उसके अक्सर इस्तेमाल बहुत प्रॉब्लमेटिक है इस दौर में तो ये मोबाइल बच्चों के भी हाथ में है और वो वालदे ही देते हैं सोशल साइंस के प्रोफ़ेसर नीलम विनोद कहती हैं कि वालदे अपने बच्चों को इस मोबाइल की शक्ल में थोड़ी सी आसानी के लिए और उनको कहीं इंगेज करने के लिए की ऑफ डिस्ट्रैक्शन हैंड ओवर कर देते हैं और जिसके इस्तेमाल से आज बच्चे बच्चे कम और एडल्ट ज़्यादा हो गए हैं उसके अलावा ये जो मोबाइल का इस्तेमाल है ना ये बच्चों के लिए जो उनके ब्रेन के केमिकल्स हैं ना उनको अफेक्ट कर रहा है और बैडली अफ़ेक्ट कर रहा है और डोपामिन न्यूरो के बहुत सारे उससे रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है लिहाजा बच्चे आज पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू बात बात पे चिड़चिड़ाने वाले और झगड़ा करने वाले वॉयेंट एग्रेसिव और चिड़चिड़े और बात बात पे परेशान ज़्यादा हैं पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा और नींद ना आना उन्हें थकावट होना और बहुत सारे चिड़चिड़ापन ये बहुत नॉर्मल बात हो गई है हर घर के बच्चों में लिहाजा हमें जानना चाहिए कि रिसर्च इस बारे में क्या कहते हैं रिसर्चिज़ के मुताबिक ये जो मोबाइल है ना इसकी जो ब्लू लाइट है सेलफोन की यह मेलेटोनिन के प्रोडक्शन में रुकावट बनती है जिसकी वजह से उनका स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता है रिसर्च और स्टडीज़ में पाया गया है कि 64 परसेंट बच्चों का मोबाइल यूज़ करने की वजह से उनके स्लीप पैटर्न बिगड़ गया यानी ये मोबाइल की ब्लू लाइट ये स्लीप पैटर्न को बिगाड़ देती है जिससे उन्हें ठीक से नींद नहीं आती जो बच्चे मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं वो पूरी तरह से उसके एडिक्ट हो चुके हैं डब्ल्यू एच ओ ने टू थाउजेंड एटीन में मोबाइल एडिक्शन को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नाम दे डाला है कि मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है और पीएमसी जर्नल की 2020 की एक रिपोर्ट है जो कि पबजी के मुतालिक है कि पबजी खेलने वाले बच्चों में सुइसाइड और मर्डर करने की तरफ उनकी विल बढ़ रही है यानी जो बच्चे पबजी खेलते हैं वो सुइसाइड और मर्डर अटैम्प्ट करते हैं और ये न्यूज़ आप लोग अपने अराउंड अक्सर पढ़ती ही रहती होंगी सितंबर 2019 की कर्नाटका की एक न्यूज़ है कि एक इक्कीस साल के लड़के ने जिनके वालदा ने उनको मोबाइल पर पबजी खेलने से मना किया था उसने अपने पेरेंट्स का मर्डर कर दिया बोथ ऑफ द पेरेंट्स माँ बाप दोनों को मार दिया लखनऊ की एक न्यूज़ है जिसमें एक सोलह साल के लड़के से माँ ने मोबाइल आ, पर गेम खेलने के लिए मना किया था तो उसने अपनी माँ का मर्डर कर दिया और माँ की लाश को दो दिन तक छुपाए रखा घर में लिहाजा ये जो पबजी का एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से बच्चों में बढ़ रहा है और वो इतने वॉयेंट हो रहे हैं कि अपने पेरेंट्स तक को किल कर सकते हैं उसके अलावा पबजी खेलने से मना करने पर एक बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया यहाँ तक कि हिडाइट तो ये एक नशा है मोबाइल साथ में उनके बिहेवियर में बहुत एग्रेशन और उनके फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल वेल अफेक्ट हो रही है ये मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करके हम आपको इसलिए बता रहे हैं इसी दौर में आपको अपने बच्चों की परवरिश करनी है जहाँ पर मोबाइल का फितना इतना ज़्यादा है साथ ही बेहयाई की भी क्या कहिए कि बेहराई इस वक्त अपना नंगा नाच दिखा रही है एल के शक्ल में आप लोग अवेयर होंगे एल से अक्सर लोग एल जी बी टी मीन्स लेस्बियन गे बाई सेक्शुअल ट्रांसजेंडर यानि कोई लिमिट ही नहीं है हया की कोई पाबंदी ही नहीं है और आ, जिनसी बेहरार रवि इस हद तक बढ़ गई है कि अब एल के कम्युनिटी सेंटर्स हैं पूरी दुनिया में बहुत जगहों पर सिर्फ इतना ही नहीं कई अक्रॉस द ग्लोब कई यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एल स्टूडेंट्स के, के लिए सपोर्ट सेंटर्स खोले जा रहे हैं उनके सपोर्ट में दुनिया खड़ी हो रही है और अब तो इंटरनेशनल लेस्बियन और गे एसोसिएशन फॉर्म हो चुकी है भाई क्या कहने है? और 2022 के स्टार्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया में 33 कंट्रीज में सेम सेक्स मैरज लीगलाइज हो चुकी है 33 कंट्रीज़ में इंडिया को भी बहुत पाक साफ नहीं समझिए इंडिया का स्टेटस भी इलीगल नहीं है ये ये एलजीबीटी इ नहीं है सेम सेक्स मैरज बल्कि इंडिया के ताल्लुक़ से ये बात कही जा सकती है कि यहाँ पर भी पार्शली लीगलाइज है सेम सेक्स मैरिज लड़की लड़के से करे शादी या लड़का लड़के से करे शादी इट्स नॉर्मल उसके अलावा इन बेही के अलावा हम जिस दौरे पुरफन में जी रहे हैं उसमें हम देखें कि दिन ब दिन ओल्ड एज होम्स बढ़ रहे हैं यानी बच्चे वालदे के हकूक़ नहीं देना चाह रहे हैं सात सौ अट्ठाईस ओल्ड एज होम्स हैं इंडिया में और वो ट्वेंटी फाइव परसेंट की रेट से हर साल बढ़ रहे हैं रीज़न साफ़ है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़ आपको पता है अब सब न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं जिसमें माँ बाप बच्चे हों और दादी दादा जैसा कोई कॉन्सेप्ट ना हो तो ओल्ड एज होम्स का बढ़ा बढ़ना ये जाहिर बात है कि सबके लिए ख़तरा है कि ये हमारा फ्यूचर ना हो जब आपका गुज़र किसी ओल्ड एज होम से होता होगा दिल में ख़याल आ ही जाता होगा कहीं ये मेरा फ़्यूचर तो नहीं लिहाजा औलाद अपने वालदान के हकूक़ नहीं देना चाह रही है लेकिन वालदेन को भी एक बात का ख्याल रखना चाहिए एक मुकदमा आया था उमर फ़ारूक़ रदील के पास एक शख़्स थे वो अपने बेटे को लेकर आए और बोला या अमीर मोमिनीन ये मेरा बेटा है लेकिन ये मेरे हकूक़ नहीं देता इससे कहिए कि ये ऐसा ना करे इसे समझाइए इससे पहले कि उमर रजिला उस लड़के की तरफ मुखातिब होते उस लड़के ने कहा या मोमिनीन क्या औलाद के भी वालदान पर कुछ हकूक़ होते हैं तो उमर बिन ख़ताब ऱील्ला ने फ़रमाया हाँ क्यों नहीं औलाद के वालिदैन पर यह हुकूक हैं कि वो उसके लिए वालिद और उसके लिए अच्छी माँ का इंतखाब करें फिर उसका अच्छा सा नाम रखे और उसकी तालीम और तरबियत में मशक्क़त उठाए यानी अच्छी तालीम और तरबियत करें तो उस लड़के ने कहा अपने वालिद के मुंह पर उस लड़के ने कहा कि या मेरमिन इसने मेरे नहीं दिए हैं इसने निकाह एक वजूसिया से किया और मेरा नाम गुबरेला रख दिया गोबर का जो कीड़ा होता है और मेरी तालीम और तरबियत में कोई मशक्क़त नहीं उठाई इसने मेहनतें नहीं कें तो उमर बिन अल्लाह ने रज़ील्ला कहकर मुकदमा रद्द कर दिया कि तुम अपनी औलाद के हकूक़ नहीं देते हो और जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनसे अपने हकूक़ मांगते हो लिहाजा रियलिटी ये है यानी वालदे भी अपने बच्चों के हकूक़ नहीं दे रहे हैं उनकी सही तालीम और तरबियत नहीं कर रहे हैं इस वजह से फ्यूचर में बिल्कुल वही चीज़ उनको मिलती है कि वो अब औलाद वालदान के हकूक़ नहीं दे रही होती लिहाजा हम लोग बहुत जल्दी से होशमंद हो जाएं और ये समझ जाएं कि बच्चों की तालीम और तरबियत एक नहायत संगीन अहम और हसास मसला है उस पर बैठे गौर फिक्र करें और एक्शन प्लान बनाएं और करना शुरू कर दें सबसे पहले हम जानेंगे कि औलाद की तरबियत का सही वक्त क्या होता है जिसमें हम में से अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं देखिए एक मर्द की बात करें अगर तो उसकी औलाद की तरबियत का सही वक्त है बिफ़ोर मैरिज जब उसके लिए लड़की देखी जा रही है अगर आप में से कोई ख़वात अपने बेटे के लिए बहु तलाश रहे हैं तो समझ लीजिए ये सही वक्त है अगली जनरेशन की सही तरबियत का कि आने वाली जनरेशन को किस गोद में आप पलवाते हैं यानी जब अपने बेटे के लिए बहू का चुनाव करें तो दीन देखें दीनदार ग में परवरिश पाएगा तो अच्छा और वाले के हकूक देने वाला बनेगा लेकिन अगर हमने दीन नहीं देखा तो वहीं पर सबसे पहली गलती कर दी और अगर खुतिन की बात करें तो उनका एक्टिव रोल शुरू हो जाता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं जी हाँ बच्चा पैदा होने के बाद नहीं पाँच दस साल के बाद नहीं तरबियत का वक्त शुरू होता तरबियत का वक्त शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी से ट्वेंटी फोर्थ वीक एम्ब्रियो मदर्स में रहकर भी सुनता है हियरिंग सेंस 24th वीक डेवलप हो जाता है तो एम्ब्रियो सुनने लगता है और उसे मुतासर होता है लिहाजा माँ को ये चाहिए कि जब वो प्रेग्नेंट है तो वो देखे कि उसके अराउंड कैसी आवाज़ें हो रही हैं वो क्या बातें करती है और किनसे बातें करती है वो म्यूज़िक सुनती है या कुरान तो तरबियत का सही वक्त वो है जिसमें अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं और दो चार पाँच साल का बच्चा होता है कहते हैं अभी तो बच्चा है अभी बहुत छोटा है बड़ा होगा तो सही हो जाएगा बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा नेक दीनदार हो जाएगा ये सबसे टॉक्सिक बात है सबसे टॉक्सिक बात है जो हम कहते हैं बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा ये कुछ ऐसा है इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि हम दीवार की बुनियाद तो तिरछी रख रहे हैं टेढ़ी रख रहे हैं और कह रहे हैं जब बुलंद होगी ना तो ठीक हो जाएगी सीधी हो जाएगी जबकि कॉमन सेंस की बात है कि तिरछी बुनियाद पर टेढ़ी बुनियाद पर खड़ी की गई दीवार जितना बुलंद होती जाएगी उतनी मज़ीद टेढ़ी होती जाएगी ना ऊपर जाके सीधी हो जाएगी तो बच्चों को भी जो शुरू के सालों में जो तरबियत दी जाती है वो सबसे ज़्यादा पॉमनेंट होती है और सबसे ज़्यादा मुतासर करती है बच्चे के अखलाक और किरदार को किसी भी आप साइकोलॉजी को कॉगनेटिव uh, साइकोलॉजी को देख लें किसी भी साइकोलॉजिस्ट के तो सब आपको ये बताएंगे कि शुरू के सात साल बहुत अहम होते हैं जीरो टू सेवन इयर्स सबसे ज़्यादा अहम होते हैं बच्चे के सीखने के लिए आपको पता है अकॉर्डिंग टू कॉग्नेटिव साइकोलॉजी बच्चे के माइंड का 95 परसेंट जो हिस्सा है वो डेवलप हो जाता है सेवन इयर्स के अंदर जिसको हम कह सकते हैं प्रोग्रामड माइंड या कह सकते हैं कि प्री कंडीशनल माइंड वो सात साल के अंदर डेवलप होता है नाइन्टी फाइव परसेंट माइंड उसका प्रोग्राम हो चुका होता है जीरो टू सेवन एज में सिर्फ फाइव परसेंट माइंड का जो पोर्शन है वो बचा रहता है जिसको कॉन्शियस माइंड कह सकते हैं वो बाद तक भी डेवलप होता रहता है सात साल की उम्र के बाद तक भी यानी हमारी जो बुनियादी तरबियतें हैं उसका 95 परसेंट हिस्सा सात साल के अंदर पूरा हो चुका होता है सात साल के अंदर यानी उन सात सालों में क्या सिखाया हमने बच्चों को इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट You know, इतने छोटे बच्चे को नेकी बदी नहीं पता होती उसे खैर शर की तमीज नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा वो नहीं जानता क्या गुनाह है क्या सवाब उसको नहीं नहीं पता पता हलाल और हराम उसे नहीं पता रहता इतना छोटा बच्चा सिर्फ ये देखता है उसके गिरदो पेश हो क्या रहा है वो वहां से सीखता है उसे खैर शर की तमीज नहीं है वो जो करता हुआ देखता है ना वो सीखता है अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो ये कहना चाहिए कि ये जो बच्चा गोद में अल्लाह नसीब किया माँ को वो एक ऐसा ब्रांड न्यू कंप्यूटर है जिसमें एक्चुअली प्रोग्रामिंग नहीं हुई है अभी इन सात सालों के अंदर उसका मदरबोर्ड डिज़ाइन हो रहा है और बाकी जो जो प्रोग्रामिंग है वो इन सात सालों में मेन हो रही है तो हमें क्या करना होगा बंग मदर हमें क्या करना होगा हमें उसके सामने एक रोल मॉडल बनना होगा हमें जो कुछ हम उससे चाहते हैं ना बने वो हमें करके दिखाना होगा जो चीज़ें हम चाहते हैं ना वो नहीं करें वो नहीं बने वैसा हमको नहीं होना होगा हमको उन चीज़ों से रुकना होगा जो हम उसके अंदर नहीं चाहते हैं अगर हम उसे सच्चा ईमानदार वफादार और वादे का पाबंद बनाना मकसूद है तो ये सारी चीज़ें हमें करके दिखानी होगी उसके सामने जब तक हम ये सब चीज़ें करके नहीं दिखाएंगे तब तक वो बच्चा हमारे सिर्फ कहने से नहीं सीखेगा वो हमें देख कर सीख रहा है लिहाजा ये बहुत सिंपल बात है कि इतने छोटे बच्चे के लिए हमें रोल मॉडल बनना होगा मेरे प्यारी बहनों तरबियत नॉन स्टॉप बोलने का अमल नहीं है तरबियत करके दिखाने का अमल है बच्चा जब छोटा होता है तो उसके माइंड में अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ 2006 बच्चे के ब्रेन में uh, कुछ मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जिससे वो कॉपी करने वक्त की सिफत उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है देखिए कि किसी को देख के आप उतना अच्छा कॉपी नहीं कर सकते जितना छोटा बच्चा अच्छा कॉपी कर लेता है तो छोटे बच्चे कॉपी करना बहुत ज़्यादा जानते हैं क्योंकि मिरर न्यूरॉन्स की वजह से वो कॉपी आसानी से कर लेते हैं तो बी आर रोल मॉडल अम्मी अब्बा को उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना होगा कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट ना ये अम्मी अब्बा को एग्जाम्पल देना होगा उसके सामने हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारे बच्चे सलाम नहीं करते ये टिकेट फॉलो नहीं करते वो टिकेट फॉलो नहीं करते ऐसे हैं और वैसे हैं डियर सिस्टर्स आदाब सिखाए नहीं जाते आदाब दिखाए जाते हैं हम घर में दाखिल होते हैं तो कितनी बार अपने बच्चों को सलाम करते हैं हम अब्बा घर में दाखिल होते हैं तो कितनी बार सलाम करते हैं क्या रोज़ अब्बा सलाम करते हैं जब घर में दाखिल होते हैं कहते तो बच्चा बाएँ हाथ से खाने लगता है तो अम्मी भी तो दाएँ हाथ में अगर कप ऑफ टी पकड़े रहती हैं तो लेफ़्ट हैंड से बिस्किट खाने लगती है अम्मी भी तो खाने लगती हैं हाँ तो अम्मी अम्मी ने तो कभी ये इस बात का ख़्याल नहीं किया कि मेरा बच्चा वॉच कर रहा है और वो भी सीख जाएगा और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फ़रमाया है लकबी शिमाल इन शैतान याक़लुबी शिमाल कि बाएँ हाथ से मत खाओ शैतान बाएँ हाथ से खाता है तो हम हम भी तो फॉलो नहीं करते हाँ मजलिस के आदाब, घर में दाखिल होने के आदाब और सोने जागने के आदाब ये सारी चीज़ हमें फॉलो करना होगा जो हम चाहते हैं कि बच्चा करे वो हमें फ़ॉलो करना होगा हमें करके दिखाना होगा उसके बाद ही हम बच्चे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं सच यंग चाइल्ड जो कि ज़ीरो टू सेवन एज का है कि वो फॉलो करेगा और हम जो भी अच्छी चीज़ें फॉलो करेंगे जो करेंगे अमल तो वो सीख जाएगा और जो बुरी चीज़ें अभी घर में होंगी वो भी सब देख रहा है बहुत कायदे से वो नोटिस कर रहा होता है आपका बच्चा ये ना दुनिया के सबसे बड़े स्कैनर से भी बड़ा स्कैनर है बिलीव मी वो इतनी माइन्यूटली आपकी हर एक चीज़ को देख रहा है आप सलाह पढ़ती हैं बच्चा अभी डेढ़ पौने दो साल का है आपको पता है ना कि बगल में खड़ा होकर वो भी नमाज पढ़ने लगता है उसे पता है क्या नमाज़ फ़र्ज़ है या मुबाह है उसे नहीं पता ना सिर्फ फ़र्ज और मुबाह का डिफरेंस नहीं पता लेकिन वो अपनी अम्मी को देखता है कि जब भी अजान होती है अम्मी ऐसे करके दुपट्टा रैप करके और खड़ी हो जाती हैं बच्चा बॉय है कि गर्ल है उसका सत्र भी ढका है कि खुला है डजेंट मैटर बस वो खड़ा हो जाता है साथ में लेकिन अम्मी जब दादी को जली कटी बोलती रहती हैं तो वो भी समझता रहता है वो भी देख रहा होता है और जब अब्बा फ़ोन पे रिश्वत लेने की बात करते रहते हैं तो वो भी कॉपी करते रहता है कि बड़ाओ के वो भी रिश्वत लेगा हुँ? उसको तो आप नेक वाले बनाना चाहते रहते हैं लेकिन उसके सामने क्या करते रहते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट जब अम्मी घर के तमाम ससुराल वालों की ऐसी वैसी बातें उनसे होन्नस और बहन से मोहब्बत दिखाती रहती सब बेटी देखती रहती है चार साल की बढ़ाओ के वो भी प्लान कर है उसका माइंड प्रोग्राम हो रहा है जो कुछ आप डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं उसका माइंड उसके हिसाब में प्रोग्राम हो रहा है बड़े होकर उससे भी हसी करना होता है करना है क्योंकि बच्चों का इतने छोटे बच्चों का जो रोल मॉडल होते हैं एक्चुअली वो पेरेंट्स ही होते हैं आप जैसे अपने बच्चे के अंदर चाहते हैं वैसे खुद बनना होगा अदरवाइज जैसे आप हैं वैसा बच्चा बन जाएगा अगर अबू को हर वक्त फोन पे झूठ बोलना है तो वो झूठ बोलना सीख जाएगा उसे कहना थोड़ी पड़ेगा आपको बेटा झूठ बोलने झूठ बोलकर अगर अपना काम निकाल सकते हो तो निकाल लिया करो कभी सुबान से नहीं सिखाना पड़ेगा वो बहुत झूठा हो जाएगा आराम से बहुत आसानी से वो झूठा बनेगा शादी नहीं बनेगा जब अम्मी अब्बा झूठे हैं अम्मी अब्बा दिन में दस बारह झूठ बोल ही देते हैं कम अज कम तो वो शादिक और अमीन कैसे बन जाएगा वो तो इतना मासूम है वो तो ब्रांड न्यू कंप्यूटर था वो तो ब्लैंक हार्ड डिस्क था उसके अंदर आपने जो कुछ डाला है उसके अंदर गया है आप कोई भी कॉग्नेटिव साइकोलॉजी उठा कर देख लीजिए जो लोग ने बीएड किया उन लोग ने बहुत स्टडी किया होगा जीन पियाजे की जो काग्नेटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें फोर स्टेजेस उन, उन्होंने मेंशन की है और जो फर्स्ट टू स्टेजेस है फर्स्ट स्टेज सेंसरी सेंसरी मोटर स्टेज 0 टू टू ईयर्स और सेकेंड uh, जो स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 टू 7 ईयर्स पर है इन दोनों स्टेजेस में बहुत क्लियर है कि बच्चा बैकग्राउंड से सीखता है जो कुछ विटनेस करता है वो सीखता चला जाता है उस हिसाब से उसका माइंड प्लान और प्रोग्राम हो जाता है चाहे आप ब्रूनर्स थ्योरी देखें चाहे आप एरिक्सन Erick की एट स्टेजेस साइकोसोशल डेवलपमेंट देखें उसमें जो ये एज ग्रुप को जिसने भी डिस्क्राइब किया है कोई भी आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी उठा कर देख लीजिए जितने भी जो लर्निंग साइकोलॉजी जिन्होंने भी डिस्क्राइब किया है सब ने इस स्टेज को अप टू सेवन वो यही बताया है कि वो बैकग्राउंड से जो चीज़ें हो रही होती हैं वहाँ से सीखता है तो ज़रूरत है कि बैकग्राउंड में एक खुशनुमा माहौल दिया जाए बच्चे को उसको डूज जो आप चाहते हैं वो चीज़ें करके उसके माहौल में उसे दिखा रहे हूं। दूसरी चीज बहुत अहम जो इस उम्र में सिखाने की है जो बोल के भी सिखाई जा सकती है वो है अल्लाह की मारिफत बच्चे को हासिल कराई जाए अल्लाह अल्ला ताला त पहचान मे एकगनाइज अल्लाह तआला देयर क्रिएटर उनको बताएं उनका रब कौन है कैसे कैसे बताएं आप सब्जी काट रही हैं टमाटर काट रही हैं आप उससे बात करती रहें चार साल का बच्चा है तीन साल का बच्चा है आप उससे बात करती रहें देखिए कितना ब्यूटीफुल अल्लाह ताला ने बनाया है टेस्ट भी इतना अच्छा कलर भी अच्छा देखिए सीड्स कितनी ब्यूटीफुली अरेंज्ड है ये सब अल्लाह ताला ने बनाया हमारे और आपके लिए हमको कितना प्यार करते हैं अल्लाह ताला आप उसके लिए अनार का जूस बनाने जा रही हैं अनार काट रही है उससे बताइए बोलते रहिए उससे देखिए कि ये कितना कितना मोती की तरह बीज अंदर अल्लाह ताला ने ओ, दाने अल्लाह ताला ने अरेंज किया है कितनी अच्छी तरह से सेट है ये और इसके ऊपर कितनी हार्ड कवरिंग है कि वो डिस्टर्ब नहीं हो अंदर पूरा जूसी है ऊपर से कितनी हार्ड कवरिंग अल्लाह ताला ने कितना वाइजली सेट किया है इसको हाउ ब्यूटिफुल और क्रिएशन इज़ हाँ ऐसे बोलते रहिए अल्लाह तला का रिकग्निशन होगा उसके लिए वो पहचानेगा मारुफत इलाही उसको वहां से मिलेगी बहुत छोटे बन से अल्लाह को पहचानने लगेगा कई सैर पर जाए तो जो ब्यूटीफुल सीनरी हो उसके बारे में बताते रहें ये सब अल्लाह ताला ने बनाया हमारे और आपके जौ जमाल के लिए कि हमको ब्यूटी अच्छी लगती है तो अल्लाह ताला ने सब कितना ब्यूटीफुल बनाया हमारे और आपके लिए अल्लाह ने मुस्ख़र कर दिया देखिए चाँद ये शाम को कितना अच्छा लगता है ये अल्लाह ने बनाया और कितना ब्यूटीफुल बनाया बताते रहिए ये हो गया अल्लाह ताला की मारफत इतने छोटे बच्चे के अंदर भी डाल पाना आप रोज़मर्रा के कामों के दरम्यान ये काम बहुत हसने के साथ कर सकते हैं देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का, का वाक़ है उनकी वालदा उसको खाने को भी देती दे दे थी अपने बच्चे को तो भी अल्लाह की मारिफत करा देती थी वो खाना बना के रोटी बना के उसे दे नहीं देती थी, थी उसे छुपा देती थी, थी और बच्चे से कहती थी कि जाइए देखिए ढूंढिए अल्लाह ताला ने आपके लिए रिस्क भेजा होगा अल्लाह राजिक है अल्लाह रिस्क देता है आपका रिस्क कहीं ना कहीं तो भेजा होगा उसने तो जाइए आप ढूंढिए बच्चा ढूंढता था तो उसे मिल जाता था खाने को वो खुश हो जाता था धीरे धीरे उसे यकीन हो गया रिस्क देने का काम अल्लाह ताला का है एक मरतबा वो बाहर थी और बच्चे का मदरसे से वापस आने का वक्त हो गया वो इतना परेशान की आ, मैंने जो अपने बच्चे के अंदर तोहीद डाली है अल्लाह पर तो्क्ल डाला है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा आज और वो घर नहीं पहुंच पा रही थी तो फिर बच्चा मेरा उसको खाने को कैसे मिलेगा और वो पूरा पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा और मैंने जो तोहीद उसके अंदर डाली है तो वो नहीं पहुंच पाई वक्त से घर लेकिन जब आकर घर में उन्होंने दरियाफ़्त किया बच्चे से खाने के मुतालिक तो बच्चे ने गवाही दी उसको तो रिस्क मिल गया अल्लाह ताला का काम है ना रिस्क देना अल्लाह ताला ने मुझे रिस्क पहुँचा दिया मैंने खा लिया मैं भूखा थोड़ी हूँ रिस्क देना तो अल्लाह ताला का काम है इस तरह अल्लाह ताला भी लाज रखते हैं आपकी तरबियत की तो बच्चे को बातों बातों में अपने रब की मारफत कराएं ये बहुत इम्पॉटेंट है बहुत इम्पॉटेंट सिर्फ माँ बाप को ही ना पहचाने उससे ज़्यादा हकूक़ जिसके हैं उसका खालिक उसको भी पहचाने लेकिन हमारी पेरेंटिंग अक्सर चूँकि माहौल में इतनी चिड़चिड़ाहट है सॉरी टू से सास नंद का झगड़ा रोज़ाना काम का थकान और ये सारी चिड़चिड़ाहट बच्चों पे डांट डपट के हम निकालते रहते हैं मासूमों पर बेगुनाह जिन्होंने कुछ भी नहीं किया मार मार के डांट डांट के उनकी परवरिश करते हैं देखिए ध्यान रखिएगा कि बच्चों को डांटने के बहुत सारे नुकसान हैं जो बच्चे खौफ में जीते हैं ना उसका पूरा फुल फ्लेज डेवलपमेंट नहीं हो पाता दो खौफ के साथ बच्चे दुनिया में आते हैं बाय बर्थ जो दो खौफ हैं वो है एक ऊंचाई से गिरने का खौफ और एक ऊंची आवाज़ का खौफ जब बच्चे को डांटा जाता है ना या किसी से भी जब ऊंची आवाज में बात किया जाता है डांट कर फटकार कर तेज आवाज में चिल्लाकर तो ऑल फाइव सेंसेस फ्रीज हो जाते हैं और लाश और तक कोई भी बात नहीं पहुंचती आपको पता होना चाहिए पार्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन जो बात हम कहते हैं उसमें कौन से फैक्टर्स कितना रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बात हम बोलते हैं उसमें 55% परसेंट हमारी बॉडी लैंग्वेज रिस्पॉन्सिबल होती है कन्वे करने में और 38% परसेंट टोन रिस्पॉन्सिबल होता है और सिर्फ 5% परसेंट वर्ड्स क्या अल्फाज इस्तेमाल किया उसकी वैल्यू इतनी कम है लेकिन किस टोन में बोला ये बहुत ज़्यादा है लिहाजा जब हम हाई टोन में बच्चों से बात करते हैं उन्हें कुछ नहीं समझ में आता आपने देखा होगा आपने एक दिन बच्चे को बहुत चिल्लाया बहुत डांटा किसी बात के लिए और अगले दिन वो ही काम करता हुआ फिर नजर आता है आता नहीं आता फिर आप कहते हैं कितना ढीट हो गया अब इतना छोटा है इतना ढीट हो गया अल्लाह अकबर आप समझे ही नहीं जब हम हाई पिच पे बात करते हैं ना बोलते हैं तो वो, वो उसके तातु शोर तक नहीं पहुंचती बात अब इसी तरह अपने काम वाले लोग के साथ भी करते हैं ना सब हम में से अक्सर ही लोग हाँ अपनी मेड्स के साथ कितना चिखते चिल्लाते हैं इतनी ज़ोर ज़ोर चिल्ला के एक बात कहते हैं जो चीज़ पसंद नहीं आई रहती उसके मुतालिक और अगले दिन कहते हैं देखते हैं वो फिर वही कर रही है तो सोचते हैं हाथ धो गई कल इतना चिल्लाए हम इसके ऊपर आज इसने फिर वही किया अब इसको बिल्कुल रिवर्स अटैम्प्ट करके देखिए बच्चों के ऊपर चाहे मेट के चाहे किसी के भी ऊपर बहुत प्यार से सॉफ्ट वॉइस में समझा कर बात करके देखिए वही बात कुछ गलती कर रहा है डांटने के बजाय बहुत प्यार से समझा कर बात करने की बात करिए और उसे खूब अच्छी तरह समझा दीजिए देखिए अगले दिन वो रिपीट नहीं करेगा बहुत फ़र्क पड़ता है ऊंची आवाज़ में बात करने और समझा कर बात करने में लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों से प्यार से डील किया करें और न सिर्फ़ बच्चों से डायरेक्ट डील करने में बल्कि इस बात का बहुत ख़्याल रखें कि शोहर बीवी झगड़ा न करें बच्चों के सामने माँ बाप के झगड़ों की वजह से बच्चों के इर्ता पर उनके जहनी इरता और पूरा उनको साइको सोशल डिवलपमेंट सब तरह का डेवलपमेंट मुतासर होता है अगर माँ बाप झगड़ा कर रहे हैं यू वॉन्ट बिलीव यू के और इंटरनेशनल रिसोर्स के सेवरल डिकेड्स की स्टडीज़ का हम आपको रिपोर्ट बता रहे हैं कि छः महीने के बच्चे के सामने अगर पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट होता है माँ बाप झगड़ा करते हैं तो उसके हार्ट रेट बढ़ जाती है और स्ट्रेस हार्मोन रिस्पॉन्स इंक्रीज हो जाते हैं छः महीने के बच्चे के सामने झगड़ा करने से माँ बाप इतना बड़ा फ़र्क पड़ता है कार्डिफ यूनिवर्सिटी के न्यू स्टडी के मुताबिक माँ बाप के झगड़ों की वजह से बच्चे का फिज़िकल इमोशनल और डेवलपमेंटल जो हेल्थ है वो मुतासर होती है सब तरह की उसकी हेल्थ मुतासर होती है माँ बाप के झगड़ों से इतना ही नहीं अकॉर्डिंग टू गॉडमैंस रिसर्च तीन महीने के बच्चे के सामने भी अगर पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट हो तीन महीना इन्फेंट थ्री मंथ्स इन्फेंट उसके सामने पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट का असर उसके ऊपर बाद में ये पड़ सकता है कि उसके अंदर लोअर कैपेसिटी ऑफ कंसंट्रेशन हो जाए या जॉय की कैपेसिटी कम हो जाए या एबिलिटी ऑफ काम बीइंग काम डाउन वो मुतासर हो जाए इतने छोटे बच्चे के सामने और जब माँ बाप घर में झगड़ा करते रहते हैं ना तो उन बच्चों के अंदर डिप्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है कि आपको पता होगा चाइल्ड डिप्रेशन आजकल एक कॉमन चीज़ होती जा रही है बच्चों के अंदर डिप्रेशन कहाँ से होता है गोद के बच्चे के सामने भी जब झगड़ा कर रहे होते हैं वहाँ से बिगेन होता है तो डिप्रेशन एनजाइटी या बिहेवियरल इश्यूज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना इवन उनकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस का डिक्लाइन होना ये सारी चीज़ हो सकती है अभी बच्चा स्कूल में लो ग्रेड लेकर आएगा तो मम्मा उसे पाँच सौ बात सुनाएंगी लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा होता कि क्या पता हम दोनों के झगड़े की वजह से इसकी कॉग्नेटिव परफॉर्मेंस डाउन हो रही है इसके ग्रेड्स लो हो रहे हैं खुद हम खुद भी हम खुद गलत हो सकते हैं और बच्चे को जिसके लिए डांट रहे होते हैं हु? उसके अलावा इन झगड़ों की वजह से मदर फ़ादर के जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बढ़ रही है आपको पता है बच्चे भी आजकल जुर्म करने लगे हैं छोटे छोटे बच्चे बड़ा बड़ा जुर्म हा? पढ़ते होंगे न्यूज़पेपर में और मैल एडजस्टमेंट ये भी इसकी वजह से हो सकता है बच्चे एडजस्ट नहीं होते हैं स्कूल में नहीं एडजस्ट कर पाते हैं सोसाइटी में नहीं करते पार्क में नहीं करते दोस्तों के साथ एडजस्ट नहीं होते पार्टीज में कहीं नहीं इसको मैल एडजस्टमेंट कहते हैं और उसके अलावा उनका सोशल बिहेवियर ख़राब हो सकता है इवन स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की उनको आदत लग सकती है इन घरेलू झगड़ों की वजह से उनके सामने और उनका जो हाई एवरेज ऑफ कोर्टिसोल है उनका केमिकल वो बढ़ता है उसकी वजह से वो बहुत जल्दी से थक जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाते हैं और उनका स्लीप पैटर्न बिगड़ जाता और नींद ठीक से नहीं आती ये सभी कुछ हो सकता है और बिल्कुल कंट्रास्ट ऑफ इट जो हैप्पी फैमिली और स्टेबल फैमिली रिलेशंस होते हैं उस माहौल में पल रहे बढ़ रहे बच्चे इन सभी चीज़ों के चांसेस उनमें बहुत कम होते हैं यानी वो बहुत सुकून से उनकी परवरिश हो रही होती है अगर माँ बाप झगड़ा नहीं करते बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, हैप्पी फैमिली में बच्चों की परवरिश अच्छी होती है लिहाजा हम आए इस चीज़ को समझें कि हम कम अज़ कम अपने हस्बैंड के साथ बैठ के प्लान सेट करें कि कम अज़ कम बच्चों के सामने तो किसी भी कीमत पे नहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी आपस में तो बच्चों के सामने तो कभी डिस्कस ना हो अगर कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना है तो भी अलग बैठ के सुकून से बच्चे के सो जाने के बाद कहीं कोने में जाके कहीं अलग कमरे में बच्चों के सामने तो बिल्कुल नहीं उनके पूरे फ्यूचर पूरे करियर पूरे हेल्थ का सवाल है लिहाजा अल्लाह कलम के ज़रिए दिया ना कलम उठाएं कलम और लिखें कि ज़ीरो से सेवन की एज में जिनके घर में बैठने छोटे बच्चे हैं लिखें बैठ के हजबैंड वाइफ मिलकर कि क्या करना है और क्या नहीं करना है तो डूज़ एंड डोंट्स लिख डालें प्लान करके करें ये परवरिश बच्चों की कोई ऐसे ही छोटा सा टास्क नहीं दे दिया गया आपको बहुत बड़ा टास्क है बहुत बड़ा टास्क है ये बच्चे आपके लिए एक तरफ़ सवाब जारिया का ज़रिया हो सकते हैं अगर आपने इनकी तरबियत सही कर दी तो दूसरी तरफ मुस्तकिल जारी रहने वाला अजाब भी बन सकता है यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द स्टोरी ऑफ टू सन्स ऑफ़ एडम पीस बी हिम सूरह मायदा सूरह नंबर पाँच आठ नंबर सत्ताईस से तीस में हाबिल और काबिल की स्टोरी बयान की है अल्लाह ताला ने, ने हाबिल का क़त्ल कर दिया और वो पहला मर्डरर करार पाया हदीस से पता चलता है कि काबिल को दुनिया का आखिरी मर्डर तक भी जो करेगा उसका एक हिस्सा का काबिल को भी पहुँचेगा तो जहाँ ये शवाब जारिया का ज़रिया हैं यानी इतना इम्पॉटेंट इशू है वहीं पर ये जारी रहने वाला अजाब का ज़रिया भी बन सकते हैं अगर उनकी तरबियत सही नहीं हुई तो लिहाजा इसके लिए बहुत सीरियस हो जाएं और क़लम उठाकर पॉइंट्स लिख डालें कि क्या करना है बच्चों के सामने क्या नहीं करना है और पता है बच्चों की तरबियत का एक बहुत मवसर ज़रिया है वो है कहानियों के ज़रिए से सुबहान अल्लाह कहानियाँ बच्चे छोटे बच्चे चार से ग्यारह साल तक के बच्चे बहुत शौक से सुनते हैं तो चाहे सेवन के कम एज के बच्चों चाहे सेवन प्लस भी बच्चे हों कहानियों के ज़रिए आप उन्हें बहुत कुछ सिखा सकते हैं और उससे उनका यू नो कॉग्नेटिव डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है एल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी माँ ने पूछा मेरा बच्चा मैथमेटिक्स में कैसे अच्छा हो सकता है तो उन्होंने कहा कहानियाँ सुनाओ उससे उसका जहन तेज़ होगा तो किसी ने पूछा कि कहानियों से जहन कैसे तेज़ होगा तो बोला कि जब कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो बच्चा उसके बारे में दिन भर सोचता रहता है और यहाँ से थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और साइंटिस्ट वही होता है जिसे थॉट प्रोसेस आता हो जिसे सोचना आता हो लिहाजा कहानियों के ज़रिए ना सिर्फ़ आप उसके जहनी करेंगी बल्कि वो बहुत उम्दा तरबियत भी कर सकती हैं वो बहुत सारे डूज जो आप उनसे चाहती हैं वो कहानियों में बताते हैं तो बहुत मज़े से वो सीख जाएगा हंसते खेलते सीख जाएगा इनफैक्ट सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी कहानियाँ उतनी ही मुतासर करने वाली होती हैं अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह यूसुफ सूरह नंबर ट्वेल्व आयत नंबर हंड्रेड एलेवन में नफ़ी कसरा इबरतलीबाब इन क़्सों में उलूलब के लिए अक्मंदों के लिए इबरत है लेसन्स हैं यानी अल्लाह ताला हमारा फितरत का खालिक है ना, हमारी साइकोलॉजी का खालिक है वो जानते हैं ना कि हम किस चीज़ से सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं और किस चीज़ से सीखेंगे तो हिदायत के लिए उसने वो सारी चीज़ कुरान में जमा कर दी है अब बताइए कुरान में कितने सारे कस्स हैं कितने किस्से हैं हाँ और यूसुफ सलाम के किस्से को अहसन कसस कहा गया है कुरान हकीम में यूसुफ़ में ही अहसन कसस। यानी बहुत सारी किस्से हैं यूसुफ सलाम के किस्से में तो हर एज ग्रुप के लिए बहुत सारे लेसनज़ हैं उनके बचपन के अभी जिक्र है उसमें उनकी जवानी का भी है और उनके स्टेबल होकर रूलर बन जाने का भी है तो हर किसी के लिए उसमें लेसनज हैं यूसुफ़ सलाम अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में मूसा के बचपन का तस्करा किया है इस्माइल अलैहिस्सलाम के बचपन का ज़िक्र है तो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाए ना खूब कहानियाँ सुनाए क़ुरान हकीम से सबसे ज़्यादा कहानियाँ सुनाएं कुरान में अम्बिया के कितने कसस हैं बहुत सारे तो बच्चे के लेवल पे भी वो बहुत बहुत मुतासर करने वाले होते हैं बहुत इन्फ्लुएंसियल। तो बच्चों को कहानियाँ क़ुरान की कहानियाँ बताएँ अम्बियाँ की कहानियाँ सुनाएं और मुख्तलफ़ मौक़े पर जैसा उस वक्त सूट करे वैसी कहानी सुनाएं उसके अलावा स़रतुलनबी सल्ला वम से उसे कहानियाँ सुनाए रसोल्ला सल्ला वम का मक्की पीरियड में एक बिल्कुल अलग फ्लेवर है वो जैसे मौके का ज़रूरत हो सुनाएं और मदनी पीरियड की सुनाए टीनेजर्स जो होते हैं उनको एक्शन मूवीज़ बहुत अच्छी लगती है इनफैक्ट ये हॉलीवुड बॉलीवुड की जो सक्सेस है ना वो ये कहानी के ऊपर ही है कि इंसान इतना पसंद करता है कहानियों को कि ये देखो इतना सक्सेसफुल है ये इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री तो बच्चों को एक्शन मूवीज़ छुड़वाना है तो रसोल्ला व्लम के मदनी दौर की कहानियाँ सुनाएं रसोल्ला के मतलब सहाबा के मुतल ख़ालिद बिन वलीद रज़िल्लान हमजा रज़ी उमर रज़ी अली रजी उनकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाएँ ना छोड़ देंगे भूल जाएंगे भूल जाएंगे एक्शन मूवीज़ बहुत आसानी से आप छुड़ा सकते हैं और सब्र इस्तकामत और साबितदमी ये सब सिखाना है तो मक्की दौड़ सुनाए सीरत का कितनी आसानी से मक्की दौड़ में हम बच्चे के अंदर सब्र इस्तलाल पैदा कर सकते हैं तो सीरत में ही बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी अदर दैन क़ुरान और फिर सहाबा के मख्तल क़सियात के अपनी बेटियों को सुनाएं सहबियात के किस्से सुनाए बच्चों के कहानियों के ज़रिए जो तरबियत की जाती है वो ना सिर्फ उनके अखलाक और मराल और इन सब को मुतािर करती है बल्कि कई बार उनके बीमारी का इलाज भी उसमें है जी हाँ एक सर्वे की रिपोर्ट है कि एक स्टोरी टेलिंग सेशन दिया गया आईसीयू हॉस्पिटलाइज्ड किड्स को तो उसमें नोटिस किया गया कि उनका ऑक्सीटोसन इंक्रीज़ हुआ और उनका कोर्टिसोल और पेन डिक्रीज़ हुआ और पॉजिटिव इमोशनल शिफ्ट नोटिस किया गया यानी बच्चों की हीलिंग और बीमारी से में आम जल्दी शिफा ये कहानियों से भी हो सकती है सुबह अल्लाह अब किस बात की देर है बच्चों से बहुत सारी बातें किया करें और बहुत कहानियाँ सुनाया करें उन्हें और जो चीज़ वो नहीं कर रहा है उस चीज़ को कहानी में मोल्ड करके बता दें चाला करने लग जाएगा और अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सेंसिटिव एज होती है जीरो टू सेवन उसके बाद जो सेवन टू थर्टीन एज है इसमें बच्चों के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए सेवन टू थर्टीन एज ग्रुप के लिए सबसे पहले तो घर में डिसिप्लिन मेंटेन किया जाना चाहिए बच्चे के ऊपर डिसिप्लिन बना के नहीं थोपना है सिर्फ घर में डिसिप्लिन बनाना है जिसको अम्मी अब्बा और बच्चा सब मिल के फॉलो करें उनके सोने जागने का डिसिप्लिन हो उनके रूटीन सेट हो उनका जो मोबाइल यूज़ हो रहा है वो सबका तय हो कि अम्मी भी एक घंटा मोबाइल यूज़ करेंगी आपको डेढ़ घंटा करना है आप निगोशिएट कर लीजिए आप अपनी मर्ज़ी से सेट करिए मगर जो सेट होगा वो सब के लिए होगा अम्मी भी उतनी ही देर अबू भी उतनी ही देर और बच्चा भी उतनी ही देर अभी अलग बात है कि फादर की ज़रूरत ही प्रोफेशनल काम ही मोबाइल पर होगा तो अलग से एक्सप्लेन होगा अलग से उसका भी डिसिप्लिन सेट होगा अदरवाइज इन जनरल एक घंटा अम्मी अबू बच्चे सब एक घंटा मोबाइल यूज़ करेंगे बस उसके बाद कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करेगा अगर कोई डिसिप्लिन थोड़ेगा उसके पनिशमेंट भी तय करिए यह भी डिसिप्लिन है यानी अम्मी ने एक घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो फिर तो अब उस दिन बच्चों को लेकर पार्क में जाएंगे घूमने और उन्हें चाट खिलाएंगे और उन्हें आइसक्रीम खिलाएंगे और अम्मी को लेकर नहीं जाएंगे अब अम्मी चाहे जितना ज़िद करें और कहें रोल प्ले करिए रोल प्ले करिए नहीं मुझे भी चलना है प्लीज़ गलती हो गई नहीं रूल तो यही सेट है मोबाइल यूज नहीं करना है बल्कि बच्चा भी कह रहा है नहीं अम्पा प्लीज़ अम्मा को भी ले लो ना जाने दो नहीं बेटा रोल तो यही सेट है तो मानना पड़ेगा आप जो उसकी पनिशमेंट है उसको भी जेल के दिखाइए कि बच्चा भी डिसिप्लिन में रहे इस तरह से आपको रोल प्ले करना है दिखाना है इस एज में भी रोल प्ले ही सबसे मौसर जरिया है उनके उनको फितरी जिंदगी की तरफ लाइए और उनको नहीं लाना है आपको फ़ितरी ज़िंदगी गुजारना है सोने जागने का एक जो डिसप्लिन सेट हो फितरत के आयन मुताबिक होना चाहिए यानी फजर में सबको उठना है फजर सलाह पढ़ना है और रात में दस बजे सबको सो जाना है तो सिर्फ बच्चा थोड़ी सोएगा अम्मी अबू सब लाइट ऑफ करके लेट के दिखाएंगे तो ही बच्चा भी सोएगा ना यह हमने गैर फितरी ज़िंदगी गुजार कर बड़ी मुसीबत कर ली है एक पूरी सोसाइटी में एक मुसीबत खड़ी कर दिया है गैर फितरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज उसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज एंड ऑफ कोर्स स्परिचुअल इश्यूज भी हैं तो अल्लाह ताला ने फितरत जो पैदा बनाई है इंसान की उसको हम बिगाड़ रहे हैं ना अल्लाह ताला फरमाते सूरह तरमाते सुरसूर थर्टी आठ नंबर थर्टी में 30, फ़रत अल्लाह लीफ़तल कि अल्लाह की बनाई हुई फितरत जिस पर उसने इंसानों को पैदा किया है ला, ला कि तुम अल्लाह की खिलकत में कोई तब्दीली नहीं पाओगे तो अल्लाह ताला ने जो फितरत बनाई है उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो बॉडी ब्रेन और सब बहुत वेल वर्क करेंगे लेकिन फितरत के ख़िलाफ़ हम जिंदगी गुजारेंगे हमारे बच्चों को भी उसी की आदत डलवा देंगे माहौल से तो फिर सब प्रॉब्लम देंगे तो अल्लाह ताला ने रात को किस लिए किस लिए बनाया है किस लिए रात किस लिए बनाई गई भाई सोने के लिए आराम के लिए और दिन किस लिए बनाया गया काम के लिए माश के लिए और एक्टिव होने के लिए बहुत वाज कुरान में बहुत जगह पर है जैसा कि सूरा नबा सूरा नंबर सेवेंटी एट आर नंबर टेन और एवन में वज लिबास लिबासा और हमने रात को लिबास बनाया पर्दा बनाया यानी आराम के लिए वजह आशा और दिन को बनाया हमने माश के लिए एक्टिव होने के लिए किसी भी तरह की हरकत करनी हो उसके लिए दिन बनाया हमने बिल्कुल उलट फेर कर दिया हम बारह साढ़े बारह एक या और किसी किसी फैमिली में तो दो बजे तक चमगादड़ की तरह जागते रहते हैं और सुबह पढ़ के सोते रहते हैं जिनको अल्लाह की तोफीक से फजरे सलाह पढ़ने पर, की आदत भी है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दोबारा सो के वो पूरा नहुसत अपने ऊपर तारी कर लेते हैं तो हम फितरी जिंदगी की तरफ रहें ख़ुद भी फितरी ज़िंदगी गुजारें और बच्चा भी इन बिल्कुल उसके न मुताबिक बच्चा भी डिसिप्लिन में रहेगा दूसरी चीज़ सेवन टू थर्टीन ऐज में करने की जो बहुत अहम है वो बच्चे का सोशलाइजेशन इस उम्र में बच्चा सोसाइटी से सीखेगा तो सोसाइटी में बहुत एक्सपोज करिए उसको जहाँ भी जाइए साथ लेके जाइए यूजली होता ये है कि सेवन प्लस बच्चा है तो मम्मा और अब्बा लोग समझते हैं भी तो बड़ा हो गया है इसको घर में छोड़ के आराम से जाया जा सकता है और सोसाइटी के एक्सपोजर से उसे बचाते हैं बिल्कुल गलत है जब बच्चा इतना बड़ा हो जाए कि ज़्यादा समझने लगा है तो फिर सोसाइटी में उसका एक्सपोजर बढ़ाइए किसी की आयादत के लिए जाना है साथ में लेकर जाइए और उसे अहमियत बताइए जा पहुँचने से पहले ही बता दीजिए कि बीमार की आयादत के लिए अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया उसका क्या फ़ायदा है किसी की इवन जनाजे में जाइए बच्चे को साथ में लेके जाइए मौत हयात की हकीकत बताइए उसे समझाइए कि यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है बाज़ार जाइए लेकर जाइए सेब खरीदना सिखाइए खाली जब वो ग्यारह बारह साल का बच्चा आ, अच्छा सा फल लेकर नहीं आता तो पाँच सौ बात आप उसे सुना देते हैं कभी आपने उसे सिखाया है कभी बाज़ार ले जा के सिखाया है कि फल ऐसा और ऐसे ख़रीदा जाता है सिखाया तो नहीं ना लेकर जाइए बाज़ार या कहीं और भी जाना है घूमने जाना है बच्चे को लेकर जाइए उसे एक एक मकाम के की डिटेल्स बताइए रास्ते में जो भी प्लेसेस पड़ती जाती हैं कि हाई कोर्ट है ये सर्किट हाउस है और जितनी जगह हैं जो कुछ मिल रहा है उसमें बताते जाइए उसकी नॉलेज यह सोशलाइजेशन से इंक्रीज होती है जब उसे आप सोसाइटी में लेकर निकलते हैं और साथ में अल्लाह ताला की मारिफत के लिए भी आप चीज़ें बताते जाइए सीनरी है तो फिर अल्लाह ताला के मुतालिक बात करिए उसे बताइए कि हमारे खालिक ने ये सब हमारे और आपके लिए बनाया है हमारे लिए मुस्र कर दिया है ये सब हमारी सर्विस में लगे हैं तो अल्लाह का भी वो शाकिर होगा इंशाअल्लाह तो इतने बड़े बच्चों को साथ में लेकर हर जगह जाया करें और साथ में ले जाने का मकसद भी बताया करें और जहाँ पर जा रहे हैं और जहाँ से गुजर रहे हैं हर चीज़ की डिटेल्स बताएं तो बच्चा तेज़ी से सीखेगा और उसका डेवलपमेंट सब तरह से बेहतर होगा और एक चीज़ नहीं करने की है तैयार सुनने के लिए क्या नहीं करने की है एक बहुत टॉक्सिक बात बहुत जहरीली बात जो घर में सबसे ज़्यादा होती है वो है मनी मेकिंग की पैसा पैसा दौलत दौलत हर दम वही बातें लाइक मनी मनी इज़ बीग सेलिब्रेटेड एंड टॉक्ड अबाउट मच मोर दैन वैल्यूज़ ये रियलिटी है हमारे घरों में इस्लामी अकदार पे बातें नहीं होती किरदार पे बातें नहीं होती सच्चाई ईमानदारी शुजात और दिलदारी की बातें नहीं होती बस दौलत दौलत पैसा पैसा अबा का फ़ोन आया है तो बस कहाँ नुकसान कितने दौलत का नुकसान हो गया कितने का फ़ायदा हो गया बस वही बातें सुन रहा है बच्चा अम्मी अब्बा से झगड़ा कर रही हैं कितने में पूरा नहीं पड़ता घर का ख़र्चा वो सुन रहा है बस पैसे की बात बस पैसे की बात सेलिब्रेशंस भी होते हैं तो अब्बा की सैलरी आज इंक्रीज हो गई है इस वजह से सेलिब्रेशन हो रहा है बस पैसे की बात हर घर में अम्बानी अंडानी और, और बिल गेट्स और जेफ बेजोस और एलन मस्क का नाम बहुत मरूफ़ है कितने घरों में हंजला और आ, उमर हमजा और अली और असमा और फातिमा इनके नाम मरूफ और तफसलत मरूफ हैं हम इन साहबा के हमारे बच्चे नाम भी नहीं जानते डिटेल जानने की तो बात बहुत दूर की है अभी एलन मस्क के बारे में बोलो तो पूरा मानी कैलकुलेट करके उनको पता होता है उनको पता होता है अमाउंट पता होता है डॉलर्स में भी पता होता है रुपीज़ में भी कर लेते हैं हाँ उन्हें इतना डिटेल में पता है क्यों घर में वही माहौल ही दे रहे बस पैसे की बात करते हैं और अगर इलाम माशा किसी मदर को उससे फुर्सत मिलती है तो बाकी टाइम में ब्यूटी के बात करती है अपनी बेटी की तारीफ भी करती है तो सूरत की करती है और सीरत की नहीं करती क्या आज मेरी बेबी पिंकल की फ्रॉक में बिल्कुल प्रिंसेस लग रही है अब वो सौ बार मरर क्यों ना देखे उसकी आदत भी अपने वेट फिगर और अपने को संवारने में क्यों ना क्यों ना पड़े हाँ तो अगर अम्मा बात कर रही होती हैं तो बहुत बार कॉम्प्लेक्शन फिगर आइज़ और ब्लशर और लिपस्टिक ये बातें हो रही होती हैं उसकी बेटी की नॉलेज उधर से इंक्रीज हो रही थी, इंटरेस्ट उधर बढ़ रहा होता है और ऑन द होल बेटी बेटा सब के लिए पैसे की बात पैसे की बात यहाँ तक कि हसूल तालीम का मकसद भी बताया जाता है घरों में तुम्हें बड़ा आदमी बनना है बहुत पैसा कमाना है और बहुत हाई सैलरी जॉब करना है गवर्नमेंट सर्विस करना है मतलब अव्वल तो हमारे दिल की जलन सबसे बड़ी यही है कि मुस्लिम उम्मत तो क़्यादत के लिए बनाई गई थी यहाँ हम नौकर प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने बच्चों को नौकर बनाना सिखा रहे हैं कि कैसे नौकरी करना है हाई सैलरी वाली नौकरी करना है मुस्लिम उमा हैज बीन क्रिएटेड हैज बीन इवॉल्व टू लीड नॉट टू फॉलो नॉट टू फॉलो द पेगन मुश्र को फॉलो करने के लिए मुस्लिम उम्मा नहीं बनाई गई थी मुस्लिम उम्म बनाई गई थी उनको लीड करने के लिए तो बोल तो यही बुनियादी गलती कर रहे हैं फिर तालीम का मकसद हम उन्हें बता रहे हैं कि बड़ा आदमी इन सेंस ऑफ रिच पर्सन मनीट्री कॉन्सेप्ट कि दौलत ज़्यादा हो तो बड़ा आदमी अरे बड़ा आदमी बनाए आप लेकिन ज़्यादा दौलत वाला नहीं ज़्यादा इल्म वाला ज़्यादा अच्छे ऊंचे किरदार वाला वालामदा अखलाक वाला ये बड़ा आदमी होने का हमारे घर में डेफिनेशन होनी चाहिए ना कि ये कि बड़ा आदमी मतलब ज़्यादा दौलत वाला हमारे असलाफ की जो माएँ थी ना वो वो क्लाइमेक्स था जो वो बने और बड़े बड़े नाम रोशन किए उन्होंने और मिलत और दुनिया को बहुत कुछ दिया सुफियान सारी अल्लाह को कौन नहीं जानता उनकी वालदा इल्म के हसूल का जो मकसद था अपने बच्चों को बहुत वेल well एक्सप्लेन किया था और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि बेटा तुम देखो इल्म हासिल करने के बाद और दस हर्फ लिखने के बाद तुम देखो तुम्हारी चाल ढाल में वक़ार में कितना इजाफा हुआ अगर उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ तो तुम्हारे इल्म का कोई फ़ायदा नहीं हमारे इस्लाफ की माएँ जो थी वो इसलिए देती थी कि बच्चे की किरदार साजी करना है शख्सियत साजी करना है मनी मेकिंग करने के लिए एटीएम बनाने के लिए नॉलेज नहीं देती थी यही तो वजह है कि आज के बच्चे अपने वालदान के साथ उनका जो रैपो है ताल्लुक है वो सिर्फ एटीएम वाला है वो पंद्रह साल के हो गए हैं सत्रह साल के हो गए हैं वालदान की अहमियत है उनकी नज़र में क्या अहमियत है ए टी एम है वो उनकी ज़रूरिया वहीं से तो पूरी होगी बस ये है हसूल इल्म का तो हमने मकसद ही उन्हें गलत बताया था और घर में मनी को सेलिब्रेट किया था वैल्यूज़ को नहीं किया था वैल्यूज़ की बातें नहीं की थी इस्लामी अकदार हमारे घर उससे ग़ायब था तो बच्चा भी बस ए समझता है उसके बाद लात मार के निकल जाता है पहले की माएँ कैसी थी? गोल ओरिएंटेड लाइफ उन्होंने दिया था अपने बच्चों को गोल ओरिएंटेड कैसी थी वो माए एक बुज़ुर्ग गुजर रहे थे कहीं से तो उन्हें उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं एक बच्चा बैठ कर रो रहा है उन्होंने जाके उससे पूछा कि बेटा तुम खेल क्यों नहीं रहे तो उसने कहा आफा हसीब तुम नमाख खलकनाकू मबासा क्या तुमने यह समझ लिया है कि हमने तुमको बेमकसद पैदा किया है बच्चे के मुँह से ऐसी बात सुनकर एकदम ठहर गए कहा तुम तो बड़े जहीन मालूम होते हो रो क्यों रहे हो बेटा जहन्नम की आग मुझे रुला रही है इतने छोटे बच्चे की को जहन्नम की आग रुला रही है कैसे मैंने देखा है घर में कि अम्मी जब चूल्हा जलाती हैं तो बड़ी लकड़ी जब आग नहीं पकड़ती तो उसमें छोटी छोटी लकड़ियां लगाती हैं तो आग जल जाती है तो मुझे ये डर लग रहा है कहीं रोज़े आख़िरत अल्लाह ताला जहन्नम की आग भड़काने के लिए बच्चों को ही पहले जहन्नम में ना डाल दे कैसी माए थी वो जिन्होंने बच्चों को ये सिखा दिया था ऐसे 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 बच्चे होते थे पहले के जो जो ग्रेट माए होती थी तो उनकी माओ की माओ की उनका जो तारीफ है आज की माए माफ़ करिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो इसके साथ बिज़ी होती हैं अपना कीमती वक्त कभी इधर से सेल्फ़ी लेने में कभी यहाँ से सेल्फ़ी लेने में और कभी स्क्रॉल करने में स्क्रीन को गुजार देती हैं और ना जुबान वाली तरबियत अमल वाली तरबियत कुछ भी नहीं करा रही होती हैं कोई चीज़ की कमी हो जाए तो रिसोर्सेज का रोना रोती हैं अबू से शाम को रोज़ाना सर सोचिए कि बे आबो ग्या वादी में एक बच्चे की परवरिश हुई थी बिल्कुल माशा बारा अल्लाह के आलम में इजाफ़ा करे इसमा सलाम की हाजरा ने माँ ने अकेले बिना वालिद के उस बच्चे की तरबियत और परवरिश की थी बेआब ग्या वादी में जो वादी गैर जीजरा थी और उस वादी में पला बड़ा बच्चा कैसी तरबियत थी माँ की सुबह हाजरा सलाम्हा क्या डाल दिया था उन्होंने कि ज़रा बड़ा होता है टीन में पहुँचता है तो अल्लाह ताला तब्राहिम सलाम को इतने बड़े टेस्ट से गुजारते हैं जिसका जिक्र है सूरज़ात सूर नंबर थर्टी सेवन आ नंबर हंड्रेड टू में कहते हैं अपने बेटे से या बुनैया इन्नी अरा फिल मना में अन्य अजबहुक फंजूर पाँच दातारा ऐ मेरे बच्चे मैं देखता हूँ खाम में कि मैं तुझे जबाह कर रहा हूँ देख तो ज़रा तेरी क्या राय है तो जानती है नाम बच्चे ने क्या कहा था इसमाइल अलैहिस्सलाम यह बते कौल यह बते इफ अल मातुमर सतजदुन इन शाह अल्लाह मिनस्वाबिरीन ऐ मेरे अब्बा जो आपको हुक्म मिला है कर गुजरिए इन मुझे सब्र करने वाला पाएंगे सुबह कितने लिमिटेड रिसोर्स में उस बच्ची की परवरिश हुई है कैसी बातें कैसा तरबियत दे दी है वालदा हाजरा सलाम और इब्राहिम सलाम ने कि बच्चा अपनी जान देने के लिए तैयार है कैसा अल्लाह की मार्फत नसीब हुई है इतने छोटे बच्चे को कितनी अच्छी तरह अपने रब को पहचान रहा है जो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है हालांकि अल्लाह ताला इतने बड़े टेस्ट में और किसी को नहीं डालता आ, उम्मत के बाकी लोगों को नहीं डालता अम्बिया का सबसे बड़ा टेस्ट लेता है और वो भी इब्राहिम इस्लाम का भी टेस्ट ही था हुआ तो नहीं सबको मालूम है लेकिन तैयार हो जाना इट्स अमेजिंग ना ये कैसे था तरबियत से बहुत अच्छी तरबियत से हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों की तरबियत बहुत ही मोहब्बत के साथ करें बहुत मोहब्बत के साथ हमारे नबी की मिसाल हमारे सामने है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते थे और जो भी सिखाते थे बहुत मोहब्बत से सिखाते थे और एक हदीस है इब्न अब्बास रजी अल्लाह अला को जो उन्होंने बहुत अहम बातें सिखाई थी वो हदीस मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स फेवरेट अदीस है uh, या ग़ुलाम वली जो, जो कि है मजकुरी हदीस नंबर टू फाइव वन सिक्स इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक इब्न अब्बास रजी ला जो कि रसूल रजीलाम के ऑफ़ कोर्स चच्जात भाई हैं आपको पता होगा बच्चे थे तेरह साल के करीब बारह तेरह साल के आप के पीछे सवारी पर बैठे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एड्रेस करके कहा या ग़ुलाम ए लड़के इन उम्म का कलिमा मैं तुझे चंद बातें सिखा रहा हूँ अब सारी चीज़ समझिएगा इसमें हिकमत भी और अल्फाज भी ए फजल या का तुम अल्लाह की हिफाजत करो तुम वो तुम्हारी हिफाजत करेगा ए का कि तुम अल्लाह के हकूक की हिफाजत करो तुम उसे अपने सामने पाओगे इधर साल था फसल जब कभी भी मांगो अल्लाह से ही मांगो वही था फस्ता और जब भी कभी मदद तलब करो अल्लाह ही से मदद तलब करो जान लो कि अगर सारी मिल्लत जमा होकर तुमको कुछ फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकती सिवाय इसके जो अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो और अगर सारी उम्मत मिलकर तुमको कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो वो नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए लिख दिया हो सही कलम उठा लिए गए हैं और सही फे हो गए हैं सुबह कितनी मबनी बरहिकमत बात और कितनी कन्फाइड और कन्साइज कितनी कॉम्प्रिहेंसिव बात बहुत छोटे कम अल्फाज में और बहुत सारी बात क्या बोला सबसे पहले कि पहले तो अटेंशन सीख करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें चंद बातें बता रहा हूँ यानी आप थोड़ा अटेंटिव हो जाए सुनने वाला बच्चे हैं छोटे बारह तेरह साल के सबसे पहली बात क्या कहा ए फज का तुम अल्लाह के अहकाम की हिफाज़त करो तुम्हारी हिफाजत करेगा यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो ऑर्डर्स हैं उसको उसकी हिफाजत करो उसको फॉलो करो अल्लाह के जिम्मे होगी तुम्हारी हिफाजत फिर किसी से डरने की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें तुम्हें किसी से डर नहीं होगा फिर अल्लाह जिसका मुहाफिज और मौला हो उसको किससे डरना और अल्लाह के हकूक़ की हिफाजत करो उसको अपने सामने पाओगे कहते हैं खुदा नज़र नहीं आता खुदा की मान कर तो देखो हर तरफ खुदा नजर आएगा उसको अपने सामने पाओगे मानो जैसे बोला गया वैसे करो जिस चीज़ को अल्लाह पसंद करता है करो जिस चीज़ से रोका गया है उससे रुक जाओ अल्लाह को अपने सामने पाओगे जरा सोचते चलिएगा कि अगर अपने बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाल दें तो वो फिर कैसा फौलादी मोमिन होगा इंशाल्लाह कहा अब खुददारी की ज़बरदस्त तोहीद भरी खुददारी की बात कि वही साल तक फसल जब भी कभी मांगो अल्लाह ही से मांगो ज़रा सोचिए कि जिस बच्चे को ये सिखा दिया गया हो कि जो भी कभी कुछ मांगना हो तो अल्लाह से मांगना तो फिर वह किसी पीर फ़कीर और के पास जाके हाथ फैलाएगा अपने ईमान को ज़ाय करेगा बिल्कुल नहीं और जब कभी मदद चाहो अल्लाह ही से चाहो तो जिसका मौला और मददगार और नसीर अल्लाह हो उसके ग्रिप के बाहर कुछ भी हो सकता है हु? कुछ भी हो सकता है फिर जिस बच्चे को ये सिखा दिया गया हो कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचाना चाहेगी और तुम्हारी तकदीर में जितना है उससे ज़्यादा नहीं पहुंचा सकती तो फिर उसको अपने मिले पर अपनी अता पर कभी कोई शिकवा भरेगा कोई दिलचिकनी होगी उसकी कोई परेशानी होगी उसकी बिल्कुल नहीं सारी दुनिया मिलकर तुमको कोई अगर ज़रअर पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जितना अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे लिए लिख दिया हो यह दिल के अंदर खुपा दी गई हो ये बात तो बताइए कि फिर कोई बीजेपी आर एस एस से डरेगा या फिर किसी पॉलिटिशियन के, के वो वो चम्मचगिरी करेगा कि क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अल्लाह नहीं जाएगा तो कोई पहुँचा ही नहीं सकता तो ऐसी ज़बरदस्त तोहद वाली बात हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्स रजील को इनकलकेट कर दिया था वो पहले मुबसर हैं कुरान हकीम के जिन्होंने कुरान की तफसीर की है इब्न इबन अब्बा रजील्न की तफसीर तफसीर इब्न अब्बास दुनिया की पहली तफसीर है तो हमारे नबी सल्ह वसलम ऐसे सिखाते थे बहुत सारे बच्चों की स्टोरीज़ हैं हमारे पास सीरत में अदीस में अनस रजील्ला दस साल रसोल्ला सल्ला वसलम के साथ रहे पूरा बचपन ही साथ में गुजारा अनस रजील्नु दावा है कि वो जितना भी अरसा रसोल्ला सल्ला वसलम के साथ रहे हैं कभी भी ना उन्होंने डांटा ना टोका ना यहाँ तक कि बासपुर्स की कि अनस ये क्यों किया ये क्यों नहीं किया अल्लाह इतना भी नहीं कहा हम अपने तेरह साल के लड़कों को कितना डाँटते हैं बात बात पर टमाटर हरा धनिया तक ख़रीद के वो लाता है तो उसमें पचास ऐब निकाल के पाँच सौ बातें जड़ देते हैं मोहब्बत से सिखाइए मोहब्बत से मोहब्बत से अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह यहाँ तक कि गलती भी कोई करे तो हमारे नबी ऐसे सिखाते थे उसामा इब्न ज्यादा अन्हु आप अलैहि वसल्लम के हम थे और नौजवान लड़की एक मसला पूछने आ गई उसामा रजीला वनु छोटे ही तो थे वो देखने लगे तो लड़की को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर पकड़कर चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया बस हो गया काम ऐसे सिखाते थे हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम होते तो पाँच सौ सुना देते उसकी नज़र उसके किरदार कितनी छीटे उछाल देते अपने ही बच्चे के ना लेकिन हमारे नबी ऐसे नहीं सिखाते थे बहुत प्यार से बहुत प्यार से और एक इतनी बड़ी गलती या इतनी बड़ी बात का रिस्पॉन्स कितना लविंगली देते हैं वो आपको इस हदीस से पता चलेगा जो कि मुस्ंद अहमद से है हदीस नंबर टू वन सेवन ज़ीरो एट एक मरतबा एक शख्स आया और कहने लगे यार रसुल्लह मुझे जिन की इजाज़त दे दीजिए लाभ अकबर अगर हम लोग के दौर में किसी मौलवी से और उसके साथी आ, साथ में बैठे हों कोई आके पूछने लगे कि बस जिना की इजाज़त दे दीजिए अल्लाह अकबर पूरे साथी मौलवी समेत उसको हद नज़र तक दौड़ाते ना खदेड़ देते दे। अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तो ये पसंद करेगा कि तेरी माँ के साथ कोई जिना करे बोले नहीं यार रसोल्ला अच्छा क्या तुझे ये पसंद है कि तेरी बीवी तेरी बेटी के साथ कोई जिना करे बोले नहीं यार रसूल्ला बोले क्या फिर तुझे ये पसंद है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे बिल्कुल नहीं यार रसोल्ला तो क्या तेरी कोई खाला है तुझे ये पसंद है कि तेरी खाला के साथ कोई जिना करे बोले हर नहीं यार रसूल्ला तो अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसे तू चाहता है कि चिना करे वो भी तो किसी की बेटी होगी किसी की बहन होगी मैं कैसे इजाज़त दे दूँ फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से उसे दुआ दी अल्लाह माह ए अल्लाह इसके गुनाह को माफ़ कर दे वो ताहिर ताहिरबा और उसके दिल को पाक कर दे उस शख्स का कहना है कि उसके बाद गुनाह की तरफ उसका इत्तफा कभी भी नहीं हुआ ये थी हमारे नबी अलैहि वसल्लम की वे ऑफ टीचिंग ऐसे सिखाते थे इतनी बड़ी बात इतनी हैरानी वाली बात जो हमें और आपको सुन के अजीब लग गई हमारे नबी ने सुना और इतने प्यार से सिखा दिया तो ज़रूरत है अगर बच्चे गलती कर भी रहे हैं या कर भी चुके हैं तो उन्हें ज़रूरत है प्यार से समझाने की सज़ा देकर हम जो गलती को दूर करना चाहते हैं ये बिल्कुल गलत आदत है सज़ा देने से बच्चा ग़लती करना नहीं छोड़ता बल्कि गलती को छुपाने की आदत बिल्कुल पुख्ता हो जाती है वो स्प्लिट पर्सनालिटी बन के जीने लगता है वो दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है मुनाफिकत उसके अंदर आ जाती है हमेशा ध्यान रखिए पनिशमेंट कैन कंट्रोल द मिस बिहेवियर बट इट के नॉट रिड्यूस द डिज़ायर टू मिसबिहीव आप सजा देकर बच्चे के मिसबिहीवियर को कंट्रोल तो कर सकते हैं हार्डली लेकिन वो ख्वाहिश ना करें मिस बिहेवियर की यह नहीं कर सकते ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते इसलिए जो लव बेस्ड पेरेंटिंग है ना वो ही सक्सेसफुल पेरेंटिंग है और फियर बेस्ड पेरेंटिंग ये कामयाब पेरेंटिंग नहीं है लव बेस्ड पेरेंटिंग करें वालिबा अली रजिला का कॉल है कि बच्चा वालदे के लिए सात साल की उम्र तक गुलाम होता है यानी जो माँ बाप कहते हैं वो करता चला जाता है गुलाम होता है और सात से चौदह साल की उम्र में उनका मुशीर होता है मशवरा देने लगता है ना अम्मा ऐसे कर लीजिए अबो ऐसे कर लीजिए ना मशवरा देने लगता है तो चौदह साल तक सात से चौदह तक मुशीर होता है और उसके बाद चौदह से इक्कीस के दरमियान वो या दोस्त होता है या दुश्मन हो जाता है अब अली रजी लाउनु कहते हैं कि हम बच्चों को सात साल तक बच्चों से खेलते थे फिर उनको तरबियत देते थे अगले सात साल तक फिर उसके बाद उन्हें अपना दोस्त बना लेते थे लेकिन आज कल के पेरेंट्स बहुत नाकाम हैं उन्हें दोस्त बनाने में बल्कि बच्चा जब टीन में पहुँचता है तो बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप के दुश्मन हो जाते हैं दुश्मनी करने लग जाते हैं जैसा कि हमने बताया उनकी वैल्यू सिर्फ एटीएम जैसी रह जाती है इम्पोर्टेंस है बट एटीएम जैसी लेकिन वो इज़्ज़त वो रेपॉ मेंटेन नहीं कर पाते क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही वाली मोहब्बत से और इजहार मोहब्बत से महरूम होते हैं अपने बच्चों के साथ मोहब्बत का इजहार करिए इजहार जी हाँ हम कह रहे हैं इजहार मोहब्बत करिए बेटी स्कूल से आए तो कहिए बेटा तुम स्कूल चली गई थी आई रियली मिस यू बेटा बहुत मिस किया आपको अब्बू बच्चे से कहें बेटा आप कहाँ खेल रहे थे हम आपको ढूंढ रहे थे हम आपको याद कर रहे थे आप कहाँ चले गए थे बच्चे से इजार मोहब्बत करने में कोई हर्ज की बात नहीं है बल्कि उससे पेरेंट चाइल्ड रैपो मेंटेन होती है बच्चे से वालिदन का सही सही ताल्लुक मेंटेन होता है और बच्चा बच्चे के अंदर किसी कस्म की महरूमी का एहसास नहीं रहता क्योंकि उसे मोहब्बत और अपनेपन का एहसास उसके इमोशनल वेलबींग well के लिए इम्पोर्टेंट है मोहब्बत जो है इंसान के जज्बात की ज़रूरत है लिहाजा वालदेन को चाहिए कि अपने बच्चों से मोहब्बत का इज़हार करें जो वालदान अपने बच्चों के साथ सही मेंटेन कर पाते हैं और अपने बच्चों से इजहार करते हैं मोहब्बत का तो वो बच्चे नाजायज़ मोहब्बतों में कभी नहीं पड़ते नाजायज़ मोहब्बतों में तो वो पढ़ते हैं जो घर में मोहब्बत से महरूम रहते हैं जब वालिदैन की तरफ से उन्हें सही मोहब्बत नहीं मिली रहती या तो वक्त तो नहीं मिला रहता माँ दस दस ग्यारह ग्यारह घंटे नौकरी करती है बाहर जाकर और वापस आकर कह देती है दूर रहो मुझ में बहुत थकी हुई हूँ तो बच्चा कहाँ जाएगा फिर फिर जहाँ मोहब्बत मिलती है उसे वो नाजायज़ ही क्यों ना हो क्योंकि हमने तरबियत का भी वक्त नहीं मिला होता हमें तो तो फिर वो नाजायज़ ही क्यों ना उन मोहब्बतों में उलझ जाता है तो जो बच्चे तमाम रिसर्चेज और स्टडीज़ में पाया गया है कि जो बच्चे अपने वालदेन की मोहब्बत से महरूम होते हैं वो बच्चे बहुत जल्दी से बुराई की तरफ इंडल्ज हो जाते हैं जैसे कि म्यूज़िक है इंटरनेट पे रहना आईपैड आईफोन आई, आई, आई बस यही सब रहता है और बुरी संगत में लग जाना एल्कोहलिज़म स्मोकिंग और बहुत सारी बुराइयाँ ड्रग्स लेना ये सब उन बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है जो मोहब्बत से महरूम होते हैं हावर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक जो बच्चे पेरेंटल लव से महरूम होते हैं उनके अंदर दूसरे बच्चों के मुकाबले में बड़े होने के बाद 35 की एज को पहुंचने के बाद उनके अंदर फ़िज़िकल इल्नेस के चांसेस डबल होते हैं डबल से भी ज़्यादा होते हैं जैसे कि कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ हाइपरटेंशन एंड इवन अल्कोहलिज्म। तो महरूमी से ये बच्चे ये बच्चों के अंदर इतनी डिजीजेज हो सकती है इतने साल के बाद भी इतने साल के बाद भी 45 फाइव ईयर्स की कॉन्स्टेंट स्टडीज़ जो कि 2000 से ज़्यादा स्टडीज़ रिसोर्च की रिपोर्ट बता रहे हैं आपको जो कि क्रॉस कल्चरली एनालाइज्ड है उस डेटा के ऊपर हम आपसे बात कर रहे हैं कि जो बच्चों को पेरेंटल लव कम मिलता है नहीं मिलता उनके अंदर साइकोलॉजिकल मैल एडजस्टमेंट होता है वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं सोसाइटी में वो साइकोलॉजिकली अकेला तन्हा रहना पसंद करते हैं दूसरों के साथ मिक्सअप नहीं होते हैं स्कूल को कितनी परेशानी होती है बार बार पेरेंट्स से शिकायत करते हैं लेकिन कोई ये नहीं नॉर्मली समझता कि ये रीज़न इसका क्या है वो बच्चे कहीं ना कहीं ममता और मोहब्बत से अपने वालदे की महरूम होते हैं लिहाजा उन बच्चों में बहुत सारे फ़िज़िकल और साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं हमारे प्यारे नबी अलैहि वसल्लम से बेहतर किसकी मिसाल फिर से नबी अलैहि वसल्लम की ही मिसाल लेंगे कि अनस रजीला को ऐसे डील करते थे इतनी मोहब्बत से कभी उनको किसी कस्म की महरूमी ना हो ऐसे कितना प्यार से डील करते थे एक मरतबा उमै सुलम रजीलावाना अनस रजिला की वालिदा, उन्होंने अंगूर का एक गुच्छा दिया कि जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे आओ उनस रजिला को बच्चे ही तो थे उन्होंने सोचा देखूँ अंगूर खट्टा है कि मीठा है एक उठाया मुँह में डाला तो मीठा था शायद क्योंकि उसके बाद उनको दूसरा भी खाना पड़ गया फिर वो एक और एक और करके रास्ता तय करते करते वो पूरा ही ख़त्म हो गया अब जब वो पहुँचे तो देख रहे हैं सब कुछ वही खा चुके हैं अब चुप होकर बैठ गए इतफाक़ की बात कि उम्र सुलैम रज़ी ने कुछ दिन के बाद रसल्ला वसम से अंगूर के मुतालिक जिक्र कर दिया कि वो हदिया आपको रिसीव हुआ था कैसा था तो अनसर सजिलान के ऊपर सबका शक चला गया लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल भी नहीं अनस अनसला को बल्कि जब भी देखते थे बाद में अनस से मिलते थे कहते अनस मेरा कहाँ है लाओ मेरा अंगूर बस ऐसे ही और ये कहते और ख़ुद भी मुस्कुराने लगते और अनसर भी मुस्कुराने लगते तो इस तरह से मोहब्बत डालते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के अंदर टीन के अंदर देखिए हम बहुत कह रहे हैं मोहब्बत करिए मोहब्बत करिए इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कह रहे हैं ओवर पैम्परिंग करें बच्चों को जरूरत से ज़्यादा लाड प्यार नहीं करें मोहब्बत अलग चीज़ है और ओवर पैम्परिंग अलग चीज़ है ओवर पैम्परिंग से क्या होगा कि फिर आप उसे सब्र की आदत नहीं डालेंगे हर चीज़ दे देंगे और किसी चीज़ से नहीं रोकेंगे और फिर वो सब्र के लिए स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगा एक्चुअली मेक देम स्ट्रांग इनफ टू फेस द क्राइसिस कंडीशंस ना जब तक हम उन्हें कोई चीज़ नहीं के या किसी मुश्किल में नहीं डाल के सब्र की आदत नहीं डालेंगे तब तक जब मुश्किल वाला वक्त वो तो फ्यूचर में देखेगा तो उसमें साबित क़दम नहीं रह पाएगा ढह जाएगा और वो बिखर जाएगा टूट जाएगा इसलिए बच्चे की हर ज़रूरत को पूरा नहीं करें कोई जो डिमांड्स कर रहा है उसके लिए सवाल करें अगर जस्टिफाई कर पा रहा है तो दिला दें नहीं कर पा रहा है तो नहीं दिलाए मना कर दें ए घर में बहुत अच्छी बात है ज़्यादातर टाइम चलता है ठीक है कुछ देर अभी गर्मी में एसी का कोई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है लेकिन जब गर्मी आएगी तो पता चलेगा ना कुछ देर यूं ही ऐसी बंद रखें और गर्मी में खुद भी रहें और रहने दें क्योंकि आपको सब्र की तरबियत करनी है वो बचपन से जब गर्मी में भी रहने का आदि होगा और हर तरह के हार्डशिप में भी आप उसे डालेंगे कुछ मांगे या नहीं भी मिलेगा तो उसे सब्र करने की आदत बनेगी जब सब्र करने की आदत बनेगी ना उसके बाद जो फ्यूचर में जब फेलियर्स आएंगे समटाइम्स हार्डशिप्स आएंगी तो उसमें अपने को आराम से वो आ, अपने को बग़ैर टूटे बिखरे इसकामत के साथ पुख्तगी तो के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा इमाम गजाली की म्यास आदत में लिखते हैं कि बच्चों को अच्छे खाने और कपड़े का आदि नहीं बनाना चाहिए क्योंकि अगर जब उन्हें नहीं पाएगा तो सब्र नहीं कर सकेगा और सारी उम्र उसकी तलाश में गुजार देगा लिहाजा आप अच्छे कपड़े भी दिलाएं और जोमेटो स्विगी से कभी कभी ऑर्डर भी करें और कभी अगर उसे पालक की सब्ज़ी नहीं पसंद है तो भी खिलाने पे पाबंद करें कि वो खाए जो जिस नहीं भी पसंद है कभी कभी तो वो भी खिलाएं उससे क्या होगा ख़ुदा नख्वास्तः लाइफ में कभी ऐसे वैसे हालात आएंगे और आकर रहना चाहिए अगर उसको बनाना है अल्लाह के दीन का सिपाही तो बहुत तरह के हालात आने वाले हैं तो उसके लिए उसको इनफ़ बनाना है कि वो फ़ेस कर सके उन कंडीशंस को और ना सब्रा होकर पलायन ना कर ले देखिए लेकिन लोकमान ने बहुत उम्दा नसीहतें की थी अपने बच्चे को उसको अल्लाह ने कुरान में जगह दिया है जबकि ही वॉज़ नॉट अ प्रोफेट तो उन नसीहतों में से एक नसीहत है लुकमान सुर न थर्टी वन नंबर सेवनटीन की वसपिर अलामा असाबक कि और जो मुसीबत है उस पर सब्र कर इन अज़मिल उमूर बेशक ये अज़मी के कामों में से है तो बहुत सारी नसीहतें की थी उसमें सब्र की भी नसीहत थी तो हमें ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को सब्र की नसीहत भी करें और सब्र के हालात में भी डालें देखिए जो सहाबियात थी उन्होंने क्या खूब क्या खूब अपने बच्चों की तरबियत की थी देखते ही बनता है कैसे फौलादी मोमिन ऐसे ही नहीं बन गए थे तो उनकी माओं की माओ की जो मिसाल है वो रहती दुनिया तक के लिए बहुत काफ़ी है असमा बिन तबी बकर रदी अल्लाह सौ साल की हो गई थी अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह को अपने साहबजादे को शहादत के लिए मोटिवेट कर रही थी उन्होंने कहा कि मौत में बड़ी राहत है तो बोला बेटा तू ये चाहता है मैं पहले मर जाऊँ मैं चाहती हूँ तो अल्लाह की राह में शहीद हो ये किस दिन की बात है जिस दिन उनकी अन शहादत हुई उसी दिन दोपहर की बात है मैं चाहती हूँ तो अल्लाह के राम में शहीद हो लड़े अल्लाह के राम में शहीद हो मैं तुझे कफ़न पहनाऊँ मैं तुझे खुशबू लगाऊँ और उसके बाद मैं दुनिया से रुखत हूँ उन्हें खूब मोटिवेट करती हूँ उनके अल्फाज बहुत प्यारे प्यारे वक्त की हैं अभी लिहाजा वो जाते हैं और बहादुरी से लड़ते हैं और शहीद हो जाते हैं उनकी लाश को आपको पता है कि खान क़बों में जाबन यूसुफ ने, ने लटकवा दिया था और सौ साल की उम्र में जबकि उनके दाँत और दिमाग पूरा सलामत था वो जाती हैं उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी, जाती हैं हज़्ज़ान बिन यूसुफ को ललकारती हैं क्या इस शह सवार के उतरने का भी वक्त नहीं आया? कैसी कैसी माये थी वो, कैसी कैसी माये थी? बद्र के शहीद सुराका बिन मालिक, बद्र की शहीद हारसा बिन सुराका की वालिदा, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व किस बात के लिए पूछ रही हैं है रसूल सुल बस इतना बता दीजिए कि मेरा बेटा जन्नत में है कि नहीं अगर वो जन्नत में है तो मैं सब्र करूंगी और अगर वो जन्नत में नहीं गया तो मैं बहुत रहूँगी और बहुत वाविला करूँगी रसूल ने फरमाया क्या बात कर रही है तू तो? तेरा बेटा फिर दौ से आला में है खुश हो गई सब्र कर लिया उन्होंने खनसार रजील्ला के बारे में आपने सुना होगा बहुत बड़ी शायरा थी और उन्होंने जाहिया में भी शायरी की और बाद में भी इस्लाम के बाद भी उन्होंने जाहिया में उनके भाई मारा गया था जंग में माविया तो उसके मुताबिक कितने मर्चियाँ कहती थी रोज़ रोती थी रोज़ मरचियाँ पढ़ के रोज़ रोया करती थी और बहुत मर्चियाँ लिखा करती थी लेकिन दौर इस्लाम में उन्होंने अपने चारों बेटों को जंग में भेजा और चारों शहीद हो गए और उस पर खुशी मनाई उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उन्होंने अपने चारों बेटों को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया अल्लाह ये थी वो माएँ जिन्होंने अपने बेटों को तैयार किया था तो शहद बने ओलमा बने और बहुत दुनिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया उसके अलावा हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए हाया और किरदार के बारे में भी बहुत कंसर्न रहना चाहिए और उसे बहुत छोटेपन से उन्हें सिखाना चाहिए सबसे पहले तो लिबास की ही बात आ जाती है अल्लाह ताला ने फरमाया सुरा आराफ़ सुरा नंबर सेवन आ नंबर ट्वेंटी सिक्स में या बनी आदमाकद अनजल नालई कुम लिबास आ यु आ सत कु शाह ए बनी आदम हमने तुम्हारे लिए लिबास नाजिल किया ताकि वो तुम्हारे शत्र को ढके और तुम्हारे लिए मौजिब जीनत हो तो अल्लाह ताला ने लिबास को उतारा है तन को ढकने के लिए ना कि दिखाने के लिए अपने छोटे से बच्चे को भी बहुत छोटे नाबालिग बच्चे को भी साथी लिबास पहनाए शत्रुपोशी के साथ जब वो बच्चे की छोटेपन आदत बनी रहेगी तो बड़ा होकर के उसी तरह के लिबास पहनना पसंद करेगा और जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से आपको भी थोड़ा बोल्ड और स्मार्ट होना पड़ेगा और स्मार्ट पेरेंटिंग करनी पड़ेगी उनको एड्रेस करिए बोल्ड इश्यूज पर भी मुहब्बतों के बारे में बातें करिए वो नाजायज़ मोहब्बतों में ना लगे उसके लिए एड्रेस करिए मोहब्बत का मान क्या होता है उसकी ज़रूरत क्या है और उस सबसे ज़्यादा मोहब्बत और शिद्दत की मोहब्बत किससे होनी चाहिए और किससे नहीं होनी चाहिए और आ, जो जायज़ मोहब्बतें हैं वो क्या हैं और कौन सी नाजायज़ मोहब्बतें हैं और इनफाचुएशन लव और लस्ट में क्या डिफरेंस होता है ये सब बताइए एड्रेस करिए एड्रेस करिए स्मार्ट मामा बनिए एड्रेस करिए आप ख़ुद एड्रेस करेंगी तो क्या होगा कि बच्चे को ना ही किसी और से डिस्कस करना पड़ेगा और ना ही वो कोई नाजायज़ मोहब्बतों में लगेगा क्योंकि आपने मोहब्बत को बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया हुआ है किया हुआ है हर एक चीज़ तो हराम रिलेशनशिप में वो इंडल्ज नहीं होगा उसके अलावा ये आपको देखना आपकी ड्यूटी है कि वो उसका साथी कौन है उसके दोस्त कौन हैं किन के साथ उठता बैठता है किन के साथ उसकी बातचीत होती है क्योंकि साथी का दोस्त का बहुत असर पड़ता है यहाँ तक कि अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने ये फ़रमाया सुना ना अबू दाउद मदी हदीस नंबर फोर एट डबल थ्री कि अर्रज अलादी खलीली इंसान अपने दोस्त के दिन पर होता है फलिया को मैं खाली तो तुम में से हर एक को देखना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है लिहाजा आप बिंग अ मदर अपने बच्चे के दोस्तों को देखिए उन्हें गाइड करिए उन्हें बुरी संगत से बचाइए मना करिए उनसे दोस्ती करने के लिए उनसे दूर रखिए कहीं जा रहे हैं तो उनसे डिटेल पूछिए किस दोस्त के पास जा रहे हो क्या कर रहे थे क्या मकसद था कितनी देर रहे वो दोस्त कैसा है उसके बारे में पता लगाइए वगैरह वगैरह अब बचपन से लेके इस उम्र तक हमने जो कुछ भी बताया उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए होंगे और वो बहुत लेट महसूस कर रहे होंगे अपने को तो जिनके बड़े बच्चे बड़े हो गए वो मायूस नहीं हो मायूसी की कोई जगह नहीं है इस्लाम में अल्लाह ताला ने इंसान के ब्रेन में एक गाइड विंडो रख छोड़ी है जो 13-14 ईयर के एज में ही खुलती है ये गाइड विंडो है वो विंडो जिसको कह सकते हैं एक रहनुमा की तलाश वाली खिड़की इस एज में 13-14 की एज में हर बच्चे को एक गाइड की जरूरत होती है एक रहनुमा की जरूरत होती है रहनुमांटी की बात नहीं कर रहे ठीक है एक रहनुमा, एक गाइड की ज़रूरत होती है वो पसंद करता है कि उसे कोई गाइड करे लिहाजा अगर आपका रेपो उसके साथ बहुत अच्छा मेनटेंड नहीं है तो अपने बच्चे को लगा दीजिए किसी स्कॉलर के साथ किसी आलिम के साथ बिजी कर दीजिए उसके साथ उसका ताल्लुक क़ायम कर दीजिए ताकि वो वहाँ से गाइड हो ना कि अपने दोस्तों से या कहीं और से जो सही गाइड नहीं करेंगे इससे में किसी ना किसी गाइड को गाइड बना लेता है बच्चा तो किसी स्कॉलर, किसी आलिम शख्सियत जिससे आप मुतमिन हो, उसके साथ कर दीजिए तो इन शाला वो बच्चा सही गाइडेंस वहाँ से लेगा और वो गाइड विंडो के ज़रिए भी अभी भी ट्रैक पर आ सकता है अगर ज़रा भी वो डेविएटेड था अब आपसे रुख्त होने से, से पहले बहुत जल्दी से डूज एंड डोंट मेंशन कर दें जो पॉइंट्स हम डिटेल में नहीं ले सके उनका भी ख्याल रखें बस इख्तिताम के करीब ही हैं एक बात तो ये कि बच्चे को हर वक्त ये मत करो वो मत करो मत करो मत करो नहीं कहें जब कोई चीज़ मना करें तो उसका अल्टरनेटिव ऑन द सेम टाइम प्रोवाइड करें यानी आप अगर ये कह रहे हैं इस दीवार पे मत खींचो मत खींचो तो फ़ौरन उनको अल्टरनेटिव दे इस दीवार पर मत खींचो ये दीवार आप की है इस दीवार पर खींचो आखिर बच्चे के अंदर एनर्जी है ना अगर एनर्जी ड्रेन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं नुकसानदेह काम ही करेगा तो इसलिए एनर्जी ड्रेन करने का भी पूरा इंतज़ाम होना चाहिए कोई ना कोई अल्टरनेटिव दें जब नो 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 बोलें तो यस कहीं ना कहीं बताएं कि क्या करें फिर वो वो ना करे तो दूसरा उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें वो पुराने मॉडल की किसी बेटी मम्मी ना बने हाय मैंने तो डॉक्टर बनना चाहा था मैं ना बन सकी अब तुमको तो बनना ही पड़ेगा अब बच्चे का बेटी चाहती है डॉक्टर नहीं बने वो प्रोफेसर बनना चाहती है मगर नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनी अब मेरे जीने का क्या फ़ायदा है जब तुम भी डॉक्टर ना बन जाओ तो मेरा मरा हुआ मुझे देखोगी अगर तुमने कोई और लाइन इख्तियार की नहीं बच्चे की पसंद नापसंद के ख्याल रखें थोपे नहीं नहीं तो उसका करियर ख़राब हो सकता है उसके अलावा नेवर कंपेयर यो किड्स विद अदर्स अपने बच्चों को किसी से कंपेयर नहीं करें इवन अपने ही बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर नहीं करें हर बच्चा अलग साइकोलॉजी का मालिक है एक को दूसरे से कंपेयर करके नफ़रत नहीं दिलाएं एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते रहते हैं जब तो वो उसको अपने ही सिबलिंग अपने ही भाई बहन से चेर सी होने लगती है उससे नफ़रत करने लगता है साथ में वाले डैन से भी लिहाजा ना अपने बच्चों से कंपेयर करें और ना खाला जदाद पुपीजा से राशिद को देखो और उमरा को देखो ये सेंटेंस बोलना बंद कर दें ये ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के डिजिटल बच्चे हैं ये कंपैरिजन पसंद नहीं करते हैं उसके अलावा इनजस्टिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों के दरमियान इसके लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त एतराज़ सख्त ममानियत की है इसलिए जिस तरह की तालीम बेटे को दें उसी तरह की बेटी को भी दें और जो फैसिलिटीज़ बेटे को दें वो बेटी को भी दें या तो कहीं तो उल्टा ऐसा हो जाता है कि बेटी को ज़्यादा टेंशन मिल जाती है तो ये भी नहीं करें इनजस्टिस नहीं होना चाहिए उसके अलावा छोटे बच्चों के सामने बड़े बच्चों को नहीं डांटें उससे वो इंसल्टिंग फील करता है और अपने ही भाई बहन का दुश्मन और माँ बाप का भी हो जाता है इसलिए कभी डांटना हो तो बहुत प्राइवेट में और कोशिश करें कि आग दिखाने से ही आपका काम पूरा हो जाए उसके अलावा थोड़ा टाइम और स्पेयर करें अपने बच्चों के लिए घूमने के लिए लेके जाएं उन्हें कभी ना कभी हफ्ते में नहीं तो महीने में एक बार थोड़ी आउटिंग होना चाहिए क्योंकि हमारे दिमाग को भी थोड़ा सा स्ट्रेस से बाहर आना होता है बच्चों के साथ हमको भी तो सब लोग मम्मी पापा और बच्चे सब लोग एक दिन आउटिंग पे ज़रूर जाएं कम से कम महीने में एक बार ये उनकी जायज़ है हर वक्त सब प्रेस नहीं करें और अब्बा लोग इतनी मनी मेकिंग नहीं करें कि बच्चे ही बिगड़ जाएं तो फिर फ़ायदा क्या उस मनी मेकिंग का तो अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम स्पेयर करें और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ दुआ फॉर देम बहुत दुआ करें उनके लिए हर कबूलियत की औकात में उनके लिए दुआ करें उनके दुनिया और आखिरत की कामयाबी और सरबुलंदी के लिए दुआ करें समाज और नफ्स और शैतान की बुराई से बचने के लिए दुआ करें बहुत सारी दुआ करें आपकी दुआ उनके लिए रियली बहुत कीमती है और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं ना प्लीज़ अपनी मम्मा को कुछ भी घर में जाके पाँच सौ बातें नहीं सुनाएंगे बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो मैसेज दिया है वो पेश करेंगे बहुत प्यार से ख़बरदार कोई अपनी मम्मा को डिसरस्पेक्ट नहीं करने पाए आपकी प्यारी सी मम्मा है। पॉसिबली उन्हें साइकोलॉजी नहीं पता होगी कोई गलती हो भी गई होगी लेकिन आपको घर जा कर ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है इसके साथ ही हम अपनी गुफ्तु को भी एक दुआ के साथ ख़त्म करेंगे सूर्फ सूर नंबर ट्वेंटी फाइव आर नंबर सेवेंटी फ़ोर रबना हमल नाम अजवाज ना वजरियात ना क़ुरत आयुन वजअलमतीन इमामाँ अमारे रब हमारे अजवाज और हमारे औलाद को हमारी आँखों की ठंडक बना और बना दे हामिम मतकीियों का इमाम आमीन बाखर दावा नादुल्लि रबलमिन वालकम्मल वर्क जजाक खैरन कसीरन कसीरा मैम प्रेशियस पॉइंट्स एक्सट्रीमली प्रेशस पॉइंट्स हम लोगों को चाहिए कि ये सारे नुक़त जो सिस्टर असमा ने हमारे सामने रखे हैं उन्हें हम ना सिर्फ अच्छी तरह जहन नशीन कर लें बल्कि उसे घर जाकर राइट डाउन भी कर लें है ना ताकि चीज़ें पक्की हो जाएं और हमें उस पर अमल करने के लिए आसानी हो और ये तमाम नुकत हमारे रहनुमा सबित हों इल्ला इन शा अच्छा, अब ये सारी बातें सुनकर ज़रूर ये लग रहा होगा कि आ, मतलब इसका तो मतलब है कि बहुत वक्त देना है बच्चों को इतना वक्त देना पड़ेगा पूरा तरबियत में ही वक्त दे दे तो जी हाँ देना है अपने बच्चों को और ये हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि जिस माँ ने चाह दिया जिस माँ ने चाहा नहीं दिया बल्कि हम कौम की उम्मत की माएँ हैं और हमें ऐसी ही जनरेशन बनानी है इन हमारी ये कमज़ोर और बुजदिल कौम कमज़ोर माँओं की गोद में ही नशनुमा पाई हैं उसकी वजह यही है तो हमें मज़बूत माएँ बननी है और इन हमारी आने वाली नस्लों की तैयारी इस तरह करनी है उनकी तरबियत की कि फिर वो एक दीन के दाई बने फिर वो अल्लाह की राह में स्ट्रगल करने वाले बने और अल्लाह के फरमाबरदार बने ठीक है तब तो हम कामयाब माएँ हैं अल्लाह ताली से दुआ है कि हम सब लिए आसानियाँ कर दे और हम सबकी रहनुमाई करे और आ, मैं बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ आप सब खवतानी की कि अपना कीमती वक्त निकाल कर आप लोग यहाँ पर आए हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाया अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई करे और हम सब का यहाँ आना बैठना सुनना कहना कबूल फ़रमाए आमीन एक लास्ट में अनाउंसमेंट करना चाहेंगे कि तकवा इस्लामिक स्कूल के एडमिशन ओपन हो गए हैं तो आप में से ज़ाहिर है कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करें तो प्लीज़ अपने बच्चों के एडमिशन कराएँ और अपने जानने वालों को भी ये इन्फ़ॉर्म करा दें आ, अपने बच्चों की दोनों जहानों की कामयाबी के लिए तकवा इस्लामिक स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन्स कराएँ ठीक है और आ, मैं बस प्रोग्राम का यहाँ पर अख्ताम करती हूँ सुबह नकल्ला वी हमदा नशद उल्लान नतूबूलैक् वसलम आलैक्म वरमी